ज वेलकम टू माई चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है राम सेतु तो राम से तो फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक प्रॉपर डिटेलिंग दी जाएगी फिल्म का डीप रिव्यू होने वाला है जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करके देने वाला हूँ इसके अलावा इस फिल्म की जो कहानी है उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे साथ ही में फिल्म की कर, के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी डीप में चर्चा होने वाली है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक ज़रूर बने रहिएगा तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते है राम सेतु जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है द ब्रिज ऑफ रामा ये एक 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन एडवेंचर फिल्म है जहाँ पे फिल्म को हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु ये दो डब्ड वर्जन में रिलीज किया गया था और इन तीन लैंग्वेजेस में फिल्म को एक साथ थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म का जो, जो जोनर है वो है एक्शन एडवेंचर इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ अभिषेक शर्मा ने फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी अभिषेक शर्मा ने ही किए हुए फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा ने जिन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउसेस जैसे कि अमेजोन स्टूडियो के पॉपकोट फिल्म लाइका प्रोडक्शन और अबुंतनिया एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को करीबन डेढ़ करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे फिल्म की सिनेमेटोग्राफी असीम मिश्रा ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग रामेश्वरेश भगत ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे तेईस मिनट का रन टाइम दिया हुआ हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में डेनियल बी का आपको बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलेगा जो सॉन्ग्स है वो भी उन्होंने ही कंपोज किए सॉरी गाने वो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के पास कंपोज करवाए लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म का वो डेनियल बीजियोज ने कंपोज किया हुआ है इसके अलावा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है जी स्टूडियो जिन्होंने इस फिल्म को सभी वर्जन में वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था अब हम बात करें फिल्म के कास्टिंग के ऊपर अक्षय कुमार लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में डॉक्टर आर्यन कुलक्षेत्र का रोल प्ले किया हुआ है जो एक आर्कोलॉजिस्ट है जैकलिन फर्नांडिस ने डॉक्टर संद्रा ब्रबिल्लो का रोल प्ले किया हुआ है नुसरत बरेचा आपको प्रोफेसर गायत्री कुलक्षेत्र श्रेष्ठा का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी जो अक्षय कुमार का किरदार है आर्यन उसकी वाइफ का रोल है ये जो नुसरत भरूचा ने प्ले किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे स्टार कास्ट के ऊपर जहाँ पे सत्यदेव कांचराना अंजानियन पुष्पक उमारन के रोल में दिखाई देंगे ए के ए पी का रोल प्ले किया हुआ है अंगद राज को कबीर कुलरेष्ठा का रोल दिया हुआ है जो आर्यन और गायत्री का बेटा है जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में उनका रोल प्ले किया हुआ है शुभम जयकर देखने को मिलेंगे जेनी पर पी ने इस फिल्म में डॉक्टर गेब्रिल का रोल प्ले किया हुआ है नजर ने इस फिल्म में इंद्रकांत का रोल प्ले किया हुआ है प्रवेश राणा को प्रोजेक्ट मैनेजर बाली का रोल दिया गया था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की शुरुआत का जो करीबन इस फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा ने दो में ही कर दी थी जहाँ पे वो इस केस के रिगार्डिंग फिल्म बनाना चाहते थे बाद में उन्होंने इस फिल्म की कहानी अक्षय कुमार को सुनाई उनको ये पसंद आई वो इस फिल्म में एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूस करने के लिए भी तैयार हो गए थे उनके साथ अमेजॉन प्राइम वीडियो लाई का प्रोडक्शन अब उन एंटरटेनमेंट बाद में जुड़े और एक अच्छे खासे प्रोडक्शन के साथ इस फिल्म को बनाया गया जहाँ पर अमेजन वालों का ये पहला प्रो ुड का प्रोडक्शन का पहला एक मूवी था जहाँ पे ये फिल्म जो अक्षय कुमार की माँ है वो प्रोड्यूस कर रही थी जो इस फिल्म के रिलीज से पहले करीबन सितंबर 2021 में उनकी देहांत हो गई थी इसके अलावा चंद्रप्रकाश द्विवेदी जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ पृथ्वीराज नाम से फिल्म बनाई हुई थी सम्राट पृथ्वीराज नाम से तो वो फिल्म के वो डायरेक्टर थे और इस फिल्म में उन्होंने क्रिएटिव प्रोड्यूसर का रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है उसमें काफ़ी सारे जो इंसिडेंट है वो रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है और फिल्म में दूसरे से दूसरे अच्छे खासे फैक्ट्स भी दिखाए हुए कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो मार्च 2021 से पता चला था कि जैकलिन फर्नाडिस नुसरत फरूच इस फिल्म में लीड रोल के लिए कास्ट की गई है जो अक्षय कुमार के ऑपोजिट आपको देखने को मिलेगी जून 2021 में एक और अनाउंसमेंट की गई थी जहां पे बताया गया था कि तेलुगु एक्टर सत्यदेव कां इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करने वाले और हिंदी सिनेमा के लिए उनका डेब्यू होने वाला है इस फिल्म की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो चौदह नवंबर दो को दिवाली के मौके के ऊपर की गई थी दिसंबर दो तक फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था अयोध्या से लेकिन बाद में जो चीज़ें कुछ जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रही जिस वजह से की के शूटिंग के शेड्यूल को चेंज करना पड़ा लोकेशन चेंज करने पड़े फिल्म का मोहर शॉट पूजा सेरेमनी है वो अट्ठारह मार्च दो को राम जन्मभूमि टेंकू टेम्पल अयोध्या में की गई थी उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को अलग अलग जगह पर कंप्लीट करवाया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी तीस मार्च दो से मुंबई से स्टार्ट की गई थी कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म कई बार पॉज हुई थी कई बार रिज्यूम हुई थी जहाँ पर कुछ एक्टर्स को इस फिल्म में कोविड पॉजिटिव हुआ था जिसके चलते इस फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा था उसके बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था तो लोग लॉकडाउन के बीच में पूरी तरह से इस फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था तो जहाँ पे इस फिल्म के साथ साथ अक्षय कुमार ने रक्षाबंधन कटपुटली ये दो फिल्में भी की हुई थी इसके अलावा उन्होंने बेल बॉटम करके एक फिल्म थी जो बाहर शूट करके कंप्लीट करवाई हुई थी उसके बीच में इस फिल्म की शूटिंग भी उन्होंने कंप्लीट की हुई थी अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म में टोटल चार गाने जहाँ पे अजय अतुल विक्रम मोन्तर से वेद शर्मा और डॉक्टर जियोज ने सभी अलग अलग आर्टिस्ट ने एक एक गानों को कंपोज किया और एक तो है वो टे फन दूसरा है जय श्री राम तीसरा है बहुत दिन बीते चौथा है ओम नमस् शिवाय तो ये चार गाने जो कम्पोज किए गए हैं जिसकी लेंथ उनतीस मिनट अड़तीस सेकंड है और ये सभी गाने आपको दो यूट्यूब पे सुनने को मिलेंगे इसी म्यूजिक कंपनी के यूट्यूब चैनल के ऊपर जिनके पास इस फिल्म के म्यूज़िक ऑडियो राइट्स है तो वहाँ पर ऑडियो ऑडियो फॉर्मेट में इन गानों को आप इंजॉय कर सकते हो अब हम बात करें राम सेतु फिल्म की कहानी के ऊपर आर्यन कुलर श्रेष्ठा जिसका रोल प्ले करे अक्षय कुमार जो एक रिनोम आर्कोलॉजिस्ट है जहाँ पे उनको जॉइंट डायरेक्टर के तौर पे आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में प्रमोट किया जाता है जहाँ पे उन कुछ रिमार्क रिमार्केबल वर्क किया हुआ है जिस वजह से उनका ये एक इंक्रीमेंट हुआ है इंद्रकांत जो रोल प्ले करे नजर वो डिसाइड करते हैं कि वो सेतु समुद्र में जो एक प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करने वाले जहाँ पे राम सेतु तो को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा लेकिन उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जिस वजह से वो डिस्ट्रॉय एकदम से नहीं हो सकता उसके ऊपर एक केस हो जाता है बाद में आर्यन किस तरह से इन सभी चीज़ों को हैंडल करता है और बाद में ये सभी चीज़ें जो तथ्य है उसको कैसे साबित करेगा वही सब चीज़ों फिल्म की कहानी की हुई है जहाँ पर फिल्म के आर्टिस्ट ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ फिल्म की परफॉर्मेंसेज फिल्म के डायलॉग काफ़ी अच्छे थे कलर ग्रेडिंग कलर टोन वी एफ एक्स डिसेंट था एक्टर्स की परफॉर्मेंस जहाँ पे सत्यदेव ने भी एक शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ अक्षय कुमार एज यूजल अपना काम निभाते हुए नजर आते सभी ने अपना काम बखूबी निभाया होता टेक्निकल मामले में फिल्म अच्छी नज़र आ रही थी म्यूजिक थोड़ा बेटर हो सकता था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और भी बेहतर वे में क्रिएट किया जा सकता था डायरेक्टर ने इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्साइटिंग मैनर में डिरेक्ट किया हुआ है जो आपको देखने में ज़रूर पसंद आएगा रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें 25 अक्टूबर 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहां पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन के साथ साथ तमिल और तेलुगु ये दो डब्ड वर्जन में भी रिलीज किया गया था इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तब एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था जहां पे इस फिल्म ने डेढ़ सौ करोड़ के बजट के सामने करीबन सौ करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था आईएमडीबी पे फिल्म को करीबन दस हजार वोट मिले हुए जिसमें पांच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से फिल्म के जो राइट्स है ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स से, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के बेचे गए जहाँ पे ओ टी टी राइड है वो फिल्म के अमेजोन प्राइम वीडियो वालों

ये एक 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन एडवेंचर फिल्म है जहाँ पे फिल्म को हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु ये दो डब्ड वर्जन में रिलीज किया गया था और इन तीन लैंग्वेज में फिल्म को एक साथ थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म का जो, जो जोनर है वो है एक्शन एडवेंचर इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है अभिषेक शर्मा ने फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी अभिषेक शर्मा ने ही किए हुए फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा ने जिन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउसेज जैसे कि अमेजन स्टूडियो के पॉपकोट फिल्म लाइका प्रोडक्शन और अबुंतनिया एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को करीबन डेढ़ सौ करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे फिल्म की सिनेमेटोग्राफी असीम मिश्रा ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग रामेश्वरेश भगत ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे तेईस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में डेनियल बी जियोज का आपको बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलेगा जो सॉन्ग्स है वो भी उन्होंने ही कंपोज किया सॉरी गाने वो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के पास कंपोज करवाए लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म का वो डैनियल बी जियोज ने कंपोज किया हुआ है इसके अलावा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं ये स्टूडियो जिन्होंने इस फिल्म को सभी में वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था अब हम बात करें फिल्म के कास्टिंग के ऊपर अक्षय कुमार लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में डॉक्टर आर्यन कुलक्षेत्र का रोल प्ले किया हुआ है जो एक आर्कोलॉजिस्ट है जैकलिन फर्नांडिस ने डॉक्टर चंद्र ब्रबिल्लो का रोल प्ले किया हुआ है नुसरत बरेजा आपको प्रोफेसर गायत्री कुलक्षेत्रा श्रेष्ठा का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी जो अक्षय कुमार का किरदार है आर्यन उसकी वाइफ का रोल है ये जो नुसरत भरूचा ने प्ले किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे स्टार कास्ट के ऊपर जहाँ पे सत्यदेव कांचराना अंजानियन पुष्पक उमारन के रोल में दिखाई देंगे एक के ए का रोल प्ले किया हुआ है अंगद राज को कबीर कुलरेष्ठा का रोल दिया हुआ है जो आय आर्यन और गायत्री का बेटा है जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में उनका रोल प्ले किया हुआ है शुभम जयकर देखने को मिलेंगे जेनीपर पी सी ने इस फिल्म में डॉक्टर गेब्रिल का रोल प्ले किया हुआ है नजर ने इस फिल्म में इंद्रकांत का रोल प्ले किया हुआ है प्रवेश राणा को प्रोजेक्ट मैनेजर बाली का रोल दिया गया था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की शुरुआत का जो करीबन इस फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा ने दो हज़ार सात में ही कर दी थी जहाँ पे वो इस केस के रिगार्डिंग फिल्म बनाना चाहते थे बाद में उन्होंने इस फिल्म की कहानी अक्षय कुमार को सुनाई उनको ये पसंद आई वो इस फिल्म में एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूस करने के लिए भी तैयार हो गए थे उनके साथ अमेजॉन प्राइम वीडियो लाई का प्रोडक्शन अब उन एंटरटेनमेंट बाद में जुड़े और एक अच्छे खासे प्रोडक्शन के साथ इस फिल्म को बनाया गया जहाँ पर अमेजन वालों का ये पहला बॉलीवुड का प्रोडक्शन का पहला एक मूवी था जहाँ पे ये फिल्म जो अक्षय कुमार की माँ है वो प्रोड्यूस कर रही थी जो इस फिल्म के रिलीज से पहले करीबन सितंबर 2021 में उनकी देहांत हो गई थी इसके अलावा चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ पृथ्वीराज नाम से फिल्म बनाई हुई थी सम्राट पृथ्वीराज नाम से तो वो फिल्म के वो डायरेक्टर थे और इस फिल्म में उन्होंने क्रिएटिव प्रोड्यूसर का रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है उसमें काफ़ी सारे जो इंसिडेंट है वो रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है और फिल्म में दूसरे को दूसरे अच्छे खासे फेक्ट्स भी दिखाए हुए कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो मार्च दो से पता चला था कि जैकलिन फर्नांडिस नुसरत फरूजा इस फिल्म में लीड रोल के लिए कास्ट की गई है जो कुमार के ऑपोजिट आपको देखने को मिलेगी जून 2021 में एक और अनाउंसमेंट की गई थी जहां पे बताया गया था कि तेलुगु एक्टर सत्यदेव कांचराना इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करने वाले और हिंदी सिनेमा के लिए उनका डेब्यू होने वाला है इस फिल्म की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो चौदह नवंबर दो को दिवाली के मौके के ऊपर की गई थी दिसंबर दो तक फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था अयोध्या से लेकिन बाद में जो चीज़ें कुछ जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रही जिस वजह से फिल्म की शूटिंग के शेड्यूल को चेंज करना पड़ा लोकेशंस चेंज करने पड़े फिल्म का मोरस शॉट पूजा सेरेमनी है वो अट्ठारह मार्च दो को राम जन्मभूमि में टेम्पल अयोध्या में की गई थी उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को अलग अलग जगह पर कंप्लीट करवाया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी तीस मार्च दो से मुंबई से स्टार्ट की गई थी कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म कई बार पॉज हुई थी कई बार रिज्यूम हुई थी जहाँ पे कुछ एक्टर्स को इस फिल्म में या कोविड पॉजिटिव हुआ था जिसके चलते इस फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा था उसके बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था तो लॉकडाउन के बीच में पूरी तरह से इस फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था तो जहाँ पर इस फिल्म के साथ साथ अक्षय कुमार ने रक्षाबंधन कटपुटली ये दो फिल्में भी की हुई थी इसके अलावा उन्होंने बेल बॉटम करके एक फिल्म थी जो बाहर शूट करके कंप्लीट करवाई हुई थी उसके बीच में इस फिल्म की शूटिंग भी उन्होंने कंप्लीट की हुई थी अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म में टोटल चार गाने जहाँ पे अजय अतुल विक्रम मोन्तर से वेद शर्मा और डॉक्टर जियोज ने सभी अलग अलग आर्टिस्ट ने एक एक गानों को कंपोज किया और एक तो है वो टेफन दूसरा है जय श्री राम तीसरा है बहुत दिन बीते चौथा है ओम नमस् शिवाय तो ये चार गाने जो कंपोज किए गए हैं जिसकी लेंथ उनतीस मिनट अड़तीस सेकंड है और ये सभी गाने आपको दो यूट्यूब पे सुनने को मिलेंगे इसी म्यूजिक कंपनी के यूट्यूब चैनल के ऊपर जिनके पास इस फिल्म के म्यूजिक ऑडियो राइट्स है वहाँ पे ऑडियो ऑडियो फॉर्मेट में इन गानों काफी इंजॉय कर सकते हो अब हम बात करें राम सेतु फिल्म की कहानी के ऊपर आर्यन कुलर श्रेष्ठा जिसका रोल प्ले कर रहे अक्षय कुमार जो एक रिनोड आर्कोलॉजिस्ट है जहाँ पे उनको जॉइंट डायरेक्टर के तौर पे आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में प्रमोट किया जाता है जहाँ पे उन कुछ रिमार्केबल रिमार्केबल वर्क किया हुआ है जिस वजह से उनका ये एक इंक्रीमेंट हुआ है इंद्रकांत जो रोल प्ले करे नजर वो डिसाइड करते हैं कि वो सेतु समुद्र में जो एक प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करने वाले जहाँ पे राम सेतु को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा लेकिन उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जिस वजह से वो डिस्ट्रॉय एकदम से नहीं हो सकता उसके ऊपर एक केस हो जाता है बाद में आर्यन किस तरह से इन सभी चीज़ों को हैंडल करता है और बाद में ये सभी चीज़ें जो तथ्य है उसको कैसे साबित करेगा वही सब चीज़ों फिल्म की कहानी की हुई है जहाँ पर फिल्म के आर्टिस्ट ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है फिल्म की परफॉर्मेंसेज फिल्म के डायलॉग काफ़ी अच्छे थे कलर ग्रेडिंग कलर टोन वी एफ एक्स डिसेंट था एक्टर्स की परफॉर्मेंस जहाँ पे सत्यदेव ने भी एक शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ अक्षय तो कुमार एज यूजल अपना काम निभाते हुए नज़र आते सभी ने अपना काम बखूबी निभाया होता टेक्निकल मामले में फिल्म अच्छी नज़र आ रही थी म्यूजिक थोड़ा बेटर हो सकता था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और भी बेहतर वे में क्रिएट किया जा सकता था डायरेक्टर ने इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्साइटिंग मैनर में डिरेक्ट किया हुआ है जो आपको देखने में ज़रूर पसंद आएगा रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें पच्चीस अक्टूबर 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहां पर इस फिल्म को हिंदी वर्ज़न के साथ साथ तमिल और तेलुगु ये दो डब्ड वर्ज़न में भी रिलीज़ किया गया था इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तब एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था जहां पे इस फिल्म ने डेढ़ सौ करोड़ के बजट के सामने करीबन सौ करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था आईएमडीबी पे फिल्म को करीबन दस हजार वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से फिल्म के जो राइट्स है ओ टी टी सेटेलाइट से राइट्स से वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के बेचे गए जहाँ पे ओ टी टी राइड्स है वो फिल्म के अमेजन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए वहीं पे सेटेलाइट राइट्स स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए और आराम से तो फिल्म आपको हिंदी तमिल तेलुगू ये तो तीन वर्जन है जहाँ पे हिंदी मेन वर्जन है तमिल तेलुगु डब्ड वर्ज़न है सभी वर्जन में ओ टी प्लेटफॉर्म यानी कि अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ देखने को मिल जाएगी वहीं पे इस फिल्म को आप हिंदी वर्जन में स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर सकते हो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि राम सेतु फिल्म आपको अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलगू वर्जन में इसके अलावा सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर राम सेतु फिल्म आप हिंदी वर्जन में ऑफिशियली फ्री में इंजॉय कर सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म को आप हिंदी तमिल तेलुगू वर्जन में ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर पाओगे राम सेतु जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है द ब्रिज ऑफ रामा ये एक 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन एडवेंचर फिल्म है जहाँ पे फिल्म को हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु ये दो डब्ड वर्जन में रिलीज किया गया था और इन तीन लैंग्वेजेज़ में फिल्म को एक साथ थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म का जो, जो जोनर है वो है एक्शन एडवेंचर इस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है अभिषेक शर्मा ने फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी अभिषेक शर्मा ने ही किए हुए हैं फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा ने जिन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउसेस जैसे कि अमेजोन स्टूडियो के पॉपकोर्ट फिल्म लाइका प्रोडक्शन और अबुनतनिया एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को करीबन डेढ़ करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है जहां पे फिल्म की सिनेमेटोग्राफी असीम मिश्रा ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग रामेश्वरेश भगत ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे तेईस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में डेनियल बी जियोज का आपको बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलेगा जो सॉन्ग्स है वो भी उन्होंने ही कंपोज किए सॉरी गाने वो अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर के पास कंपोज करवाए लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म का वो डेनियल बी जीज ने कंपोज किया हुआ है इसके अलावा फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है जी स्टूडियो जिन्होंने इस फिल्म को सभी वर्जन में वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था अब हम बात करें फिल्म के कास्टिंग के ऊपर अक्षय कुमार लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में डॉक्टर आर्यन कुलक्षेत्र का रोल प्ले किया हुआ है जो एक आर्कोलॉजिस्ट है जैकलिन फर्नांडिस ने डॉक्टर संद्रा ब्रब्बिल्लो का रोल प्ले किया हुआ है नुसरत भरेचा आपको प्रोफेसर गायत्री कुलक्षेत्रा श्रेष्ठा का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी जो अक्षय कुमार का किरदार है आर्यन उसकी वाइफ का रोल है ये जो नुसरत भरूचा ने प्ले किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे स्टार कास्ट के ऊपर जहाँ पे सत्यदेव कांचराना अंजानियन पुष्पक उमारन के रोल में दिखाई देंगे ए के ए पी का रोल प्ले किया हुआ है अंगद राज को कबीर कुलरेष्ठा का रोल दिया हुआ है जो आय आर्यन और गायत्री का बेटा है जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में उनका रोल प्ले किया हुआ है शुभम जयकर देखने को मिलेंगे जेनीपर पी सिंटो ने इस फिल्म में डॉक्टर गेब्रिल का रोल प्ले किया हुआ है नजर ने इस फिल्म में इंद्रकांत का रोल प्ले किया हुआ है प्रवेश राणा को प्रोजेक्ट मैनेजर बाली का रोल दिया गया था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की शुरुआत का जो करीबन इस फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा ने दो में ही कर दी थी जहाँ पे वो इस केस के रिगार्डिंग फिल्म बनाना चाहते थे बाद में उन्होंने इस फिल्म की कहानी अक्षय कुमार को सुनाई उनको ये पसंद आई वो इस फिल्म में एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूस करने के लिए भी तैयार हो गए थे उनके साथ अमेजॉन प्राइम वीडियो का प्रोडक्शन अभुन्तिया एंटरटेनमेंट बाद में जुड़े और एक अच्छे खासे प्रोडक्शन के साथ इस फिल्म को बनाया गया जहाँ पे अमेजॉन वालों का ये पहला बोली उ का प्रोडक्शन का पहला एक मूवी था जहाँ पे ये फिल्म जो अक्षय कुमार की माँ है वो प्रोड्यूस कर रही थी जो इस फिल्म के रिलीज से पहले करीबन सितंबर 2021 में उनकी देहांत हो गई थी इसके अलावा चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ पृथ्वीराज नाम से फिल्म बनाई हुई थी सम्राट पृथ्वीराज नाम से तो वो फिल्म के वो डायरेक्टर थे और इस फिल्म में उन्होंने क्रिएटिव प्रोड्यूसर का रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है उसमें काफ़ी सारे जो इंसिडेंट है वो रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है और फिल्म में दूसरे को दूसरे अच्छे खासे फैक्ट्स भी दिखाए हुए कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो मार्च दो से पता चला था कि जैकलिन फर्नाडिस नुसरत फरूचा इस फिल्म में लीड रोल के लिए कास्ट की गई है जो कुमार के अपोजिट आपको देखने को मिलेगी जून दो में एक और अनाउंसमेंट की गई थी जहाँ पे बताया गया था कि तेलुगु एक्टर सत्यदेव कांचराना इस फिल्म में कुछ इम्पोर्टेंट किरदार प्ले करने वाले और हिंदी सिनेमा के लिए उनका डेब्यू होने वाला है इस फिल्म की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो चौदह नवंबर 2020 को दिवाली के मौके के ऊपर की गई थी दिसंबर 2020 तक फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था अयोध्या से लेकिन बाद में जो चीज़ें कुछ जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रही जिस वजह से फिल्म की शूटिंग के शेड्यूल को चेंज करना पड़ा लोकेशन चेंज करने पड़े फिल्म का मोहर शॉट पूजा सेरेमनी है वो अट्ठारह मार्च दो को राम जन्मभूमि टेंकू टेम्पल अयोध्या में की गई थी उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को अलग अलग जगह पर कंप्लीट करवाया गया था प्रिंसिपल ऑफ़ फोटोग्राफी तीस मार्च दो हज़ार इक्कीस से मुंबई से स्टार्ट की गई थी कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म कई बार पॉज हुई थी कई बार रिज्यूम हुई थी जहाँ पर कुछ एक्टर्स को इस फिल्म में कोविड पॉजिटिव हुआ था जिसके चलते इस फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा था उसके बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था तो लॉकडाउन के बीच में पूरी तरह से इस फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था जहां पे इस फिल्म के साथ साथ अक्षय कुमार ने रक्षाबंधन कटपुट ये दो फिल्में भी की हुई थी इसके अलावा उन्होंने बेल बॉटम करके एक फिल्म थी जो बाहर शूट करके कंप्लीट करवाई हुई थी उसके बीच में इस फिल्म की शूटिंग भी उन्होंने कंप्लीट की हुई थी अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म में टोटल चार गाने जहाँ पे अजय अतुल विक्रम मोन्तर से वेद शर्मा और डॉक्टर जियज ने सभी अलग अलग आर्टिस्ट ने एक एक गानों को कंपोज किया और एक तो है वो टेफन दूसरा है जय श्री राम तीसरा है बहुत दिन बीते चौथा है ओम नमः शिवाय तो ये चार गाने जो कम्पोज किए गए जिसकी लेंथ उनतीस मिनट अड़तीस सेकंड है और ये सभी गाने आपको दो यूट्यूब पेज सुनने को मिलेंगे इसी म्यूज़िक कंपनी के यूट्यूब चैनल के ऊपर जिनके पास इस फिल्म के म्यूजिक ऑडियो राइट्स है तो वहाँ पर ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में इन गानों को आप एंजॉय कर सकते हो अब हम बात करें राम सेतु फिल्म की कहानी के ऊपर आर्यन कुलर श्रेष्ठा जिसका रोल प्ले रहे अक्षय कुमार जो एक रिनोम्ड आर्कोलॉजिस्ट है जहाँ पे उनको जॉइंट डायरेक्टर के तौर पे आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में प्रमोट किया जाता है जहाँ पे उन्होंने कुछ रिमार्केबल रिमार्केबल वर्क किया हुआ है जिस वजह से उनका ये एक इंक्रीमेंट हुआ है इंद्रकांत जो रोल प्ले करे नजर वो डिसाइड करते हैं कि वो सेतु समुद्र में जो एक प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करने वाले जहाँ पे राम सेतु को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा लेकिन उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जिस वजह से वो डिस्ट्रॉय एकदम से नहीं हो सकता उसके ऊपर एक केस हो जाता है बाद में आर्यन किस तरह से इन सभी चीज़ों को हैंडल करता है और बाद में ये सभी चीज़ें जो तथ्य है उसको कैसे साबित करेगा वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी की हुई है जहाँ पर फिल्म के आर्टिस्ट ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ फिल्म की परफॉर्मेंसेज फिल्म के डायलॉग काफ़ी अच्छे थे कलर ग्रेडिंग कलर टोन वी एफ डिसेंट था एक्टर्स की परफॉर्मेंस जहाँ पे सत्यदेव ने बेक शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ अक्षय कुमार एज यूजल अपना काम निभाते हुए नज़र आते सभी ने अपना काम बखूबी निभाया होता टेक्निकल मामले में फिल्म अच्छी नज़र आ रही थी म्यूजिक थोड़ा बेटर हो सकता था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और भी बेहतर वे में क्रिएट किया जा सकता था डायरेक्टर ने इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्साइटिंग मैनर में डिरेक्ट किया हुआ है जो आपको देखने में ज़रूर पसंद आएगा रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें पच्चीस अक्टूबर 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहां पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन के साथ साथ तमिल और तेलुगु ये दो डब्ड वर्जन में भी रिलीज किया गया था इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तब एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था जहां पे इस फिल्म ने डेढ़ सौ करोड़ के बजट के सामने करीबन सौ करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था आई पे फिल्म को करीबन दस हजार वोट मिले हुए जिसमें पांच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से फिल्म के जो राइट्स है ओ टी राइट्स वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के बेचे गए जहाँ पे ओ राइट्स है वो फिल्म के अमेजोन प्राइम वीडियो वालों

एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि राम सेतु फिल्म आपको अमेजोन प्राइम के ऊपर देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश हिंदी तमिल, में इसके अलावा में, में कर सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म को आप हिंदी तमिल तेलुगु वर्जन में ऑफिशियली ओ और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर पाओगे राम जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है द ब्रिज ऑफ रामा ये एक 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन एडवेंचर फिल्म है जहाँ पे फिल्म को हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु ये दो डब्ड वर्जन में रिलीज किया गया था और इन तीन लैंग्वेजेस में फिल्म को एक साथ थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म का जो, जो जोनर है वो है एक्शन एडवेंचर इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है अभिषेक शर्मा ने फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी अभिषेक शर्मा ने ही किए हुए फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा ने जिन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउसेस जैसे कि अमेजोन स्टूडियो के पपक कोर्ट फिल्म लाइका प्रोडक्शन और अबुंतनया एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को करीबन डेढ़ करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे फिल्म की सिनेमेटोग्राफी असीम मिश्रा ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग रामेश्वरेश भगत ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे तेईस मिनट का रन टाइम दिया हुआ हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में डेनियल बी जियो का आपको बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलेगा जो सॉन्ग्स है वो भी उन्होंने ही कंपोज किए सॉरी गाने वो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के पास कंपोज करवाए लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म का वो डेनियल बीजियज ने कंपोज किया हुआ है इसके अलावा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है स्टूडियो जिन्होंने इस फिल्म को सभी वर्जन में वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था अब हम बात करें फिल्म के कास्टिंग के ऊपर अक्षय कुमार लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में डॉक्टर आर्यन कुलक्षेत्र का रोल प्ले किया हुआ है जो एक आर्कोलॉजिस्ट है जैकलिन फर्नांडिस ने डॉक्टर संद्रा ब्रबिल्लो का रोल प्ले किया हुआ है नुसरत बरेचा आपको प्रोफेसर गायत्री कुलक्षेत्रा शेरिष्टा का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी जो अक्षय कुमार का किरदार है आर्यन उसकी वाइफ का रोल है ये जो नुसरत भरूचा ने प्ले किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे स्टार कास्ट के ऊपर जहाँ पे सत्यदेव कांचराना अंजानियन पुष्पक उमारन के रोल में दिखाई देंगे ए के ए पी का रोल प्ले किया हुआ है अंगद राज को कबीर कुलरेष्ठा का रोल दिया हुआ है जो आय आर्यन और गायत्री का बेटा है जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में उनका रोल प्ले किया हुआ है शुभम जयकर देखने को मिलेंगे जेनी पर पी ने इस फिल्म में डॉक्टर गेब्रिल का रोल प्ले किया हुआ है नजर ने इस फिल्म में इंद्रकांत का रोल प्ले किया हुआ है प्रवेश राणा को प्रोजेक्ट मैनेजर बाली का रोल दिया गया था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की शुरुआत का जो करीबन इस फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा ने में ही कर दी थी जहाँ पे वो इस केस के रिगार्डिंग फिल्म बनाना चाहते थे बाद में उन्होंने इस फिल्म की कहानी अक्षय कुमार को सुनाई उनको ये पसंद आई वो इस फिल्म में एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूस करने के लिए भी तैयार हो गए थे उनके साथ अमेज़न प्राइम वीडियो लाई का प्रोडक्शन अब एंटरटेनमेंट बाद में जुड़े और एक अच्छे खासे प्रोडक्शन के साथ इस फिल्म को बनाया गया जहाँ पे अमेजन वालों का ये पहला बॉलीवुड का प्रोडक्शन का पहला एक मूवी था जहाँ पे ये फिल्म जो अक्षय कुमार की माँ है वो प्रोड्यूस कर रही थी जो इस फिल्म के रिलीज से पहले करीबन सितंबर 2021 में उनकी देहांत हो गई थी इसके अलावा चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ पृथ्वीराज नाम से फिल्म बनाई हुई थी सम्राट पृथ्वीराज नाम से तो वो फिल्म के वो डिरेक्टर थे और इस फिल्म में उन्होंने क्रिएटिव प्रोड्यूसर का रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है उसमें काफ़ी सारे जो इंसिडेंट है वो रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है और फिल्म में दूसरे कोई से दूसरे अच्छे खासे फेक्ट्स भी दिखाए हुए कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो मार्च दो से पता चला था कि जैकलिन फर्नाडिस नुसरत फरूचा इस फिल्म में लीड रोल के लिए आ, कास्ट की गई है जो अक्षय कुमार के ऑपोजिट आपको देखने को मिलेगी जून 2021 में एक और अनाउंसमेंट की गई थी जहाँ पे बताया गया था कि तेलुगु एक्टर सत्यदेव कांतराना इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करने वाले और हिंदी सिनेमा के लिए उनका डेब्यू होने वाला है इस फिल्म की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो चौदह नवंबर दो को दिवाली के मौके के ऊपर की गई थी दिसंबर 2020 तक फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था अयोध्या से लेकिन बाद में जो चीजें कुछ जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से से नहीं हो पा रही वजह फिल्म की शूटिंग के शेड्यूल लोकेशन चेंज करना पड़ा। करने पड़े फिल्म का पूजा सेरेमनी है वो अट्ठारह मार्च दो को राम जन्मभूमि टेंकू टेम्पल अयोध्या में की गई थी उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को अलग अलग जगह पर कंप्लीट करवाया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी तीस मार्च दो से मुंबई से स्टार्ट की गई थी कोविड 19 की वजह से फिर फिल्म कई बार पॉज हुई थी कई बार रिज्यूम हुई थी जहाँ पे कुछ एक्टर्स को इस फिल्म में कोविड पॉजिटिव हुआ था जिसके चलते इस फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा था उसके बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था तो लॉकडाउन के बीच में पूरी तरह से इस फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवाया गया था जहाँ पर इस फिल्म के साथ साथ अक्षय कुमार ने रक्षाबंधन कटपुटली ये दो फिल्में भी की हुई थी इसके अलावा उन्होंने आ, या, बेल बॉटम करके एक फिल्म थी जो बाहर शूट करके कंप्लीट करवाई हुई थी उसके बीच में इस फिल्म की शूटिंग भी उन्होंने कंप्लीट किए हुई थी अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म में टोटल चार गाने जहाँ पे अजय अतुल विक्रम मोहतर से वेद शर्मा और डॉक्टर ज्योर्ज ने सभी अलग अलग आर्टिस्ट ने एक एक गानों को कम्पोज़ किया हुआ एक तो है वो टे फन दूसरा है जय श्री राम तीसरा है बहुत दिन बीते चौथा है ओम नमस् शिवाय तो ये चार गाने जो कम्पोज किए गए जिसकी लेंथ उनतीस मिनट अड़तीस सेकंड है और ये सभी गाने आपको दो यूट्यूब पे सुनने को मिलेंगे इसी म्यूजिक कंपनी के यूट्यूब चैनल के ऊपर जिनके पास इस फिल्म के म्यूज़िक ऑडियो राइट्स है तो वहाँ पे ऑडियो ऑडियो फॉर्मेट में इन गानों को आप इंजॉय कर सकते हो अब हम बात करें राम सेतु फिल्म की कहानी के ऊपर आर्यन कुलर श्रेष्ठा जिसका रोल प्ले करे अक्षय कुमार जो एक रिनोम्ड आर्कोलॉजिस्ट है जहाँ पे उनको ज्वाइंट डायरेक्टर के तौर पे आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में प्रमोट किया जाता है जहाँ पे उन्होंने कुछ रिमार्केबल रिमार्केबल वर्क किया हुआ है जिस वजह से उनका ये एक इंक्रीमेंट हुआ है इंद्रकांत जो रोल प्ले करे नजर वो डिसाइड करते हैं कि वो सेतु समुद्र में जो एक प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करने वाले जहाँ पे राम सेतु को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा लेकिन उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जिस वजह से वो डिस्ट्रॉय एकदम से नहीं हो सकता उसके ऊपर एक केस हो जाता है बाद में आर्यन किस तरह से इन सभी चीज़ों को हैंडल करता है और बाद में ये सभी चीज़ें जो तथ्य है उसको कैसे साबित करेगा वही सब चीज़ों फिल्म की कहानी की हुई है जहाँ पर फिल्म के आर्टिस्ट ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ फिल्म की परफॉर्मेंसेज फिल्म के डायलॉग काफ़ी अच्छे थे कलर ग्रेडिंग कलर टोन वी एफ एक्स डिसेंट था एक्टर्स की परफॉर्मेंस जहाँ पे सत्यदेव ने भी एक शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ अक्षय कुमार एज यूजल अपना काम निभाते हुए नज़र आते सभी ने अपना काम बखूबी निभाया होता टेक्निकल मामले में फिल्म अच्छी नज़र आ रही थी म्यूजिक थोड़ा बेटर हो सकता था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और भी बेहतर वे में क्रिएट किया जा सकता था डायरेक्टर ने इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्साइटिंग मैनर में डिरेक्ट किया हुआ है जो आपको देखने में ज़रूर पसंद आएगा रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें पच्चीस अक्टूबर 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहां पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन के साथ साथ तमिल और तेलुगु ये दो डब्ड वर्जन में भी रिलीज़ किया गया था इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था जहां पे इस फिल्म ने डेढ़ सौ करोड़ के बजट के सामने करीबन सौ करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था आईएमडीबी पे फिल्म को करीबन दस हज़ार वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से फिल्म के जो राइट्स है ओ टी टी सेटेलाइट से राइट्स से वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के बेचे गए जहाँ पे ओ टी टी राइट्स है वो फिल्म के अमेज़न प्राइम वीडियो वालों ने ख़रीदे हुए वहीं पे सेटेलाइट राइट्स स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए और आम से तो फिल्म आपको हिंदी तमिल तेलुगू ये तो तीन वर्जन है जहाँ पे हिंदी मेन वर्जन है तमिल तेलुगू डब्ड वर्जन ये सभी वर्जन में ओ टी टी प्लेटफॉर्म यानी कि अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी वहीं पे इस फिल्म को आप हिंदी वर्जन में स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर सकते हो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि राम सेतु फिल्म आपको अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलुगु वर्जन में इसके अलावा सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर राम सेतु फिल्म आप हिंदी वर्जन में ऑफिशियली फ्री में इंजॉय कर सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म को आप हिंदी तमिल तेलुगु वर्जन में ऑफिशियली ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर पाओगे राम सेतु जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है द ब्रिज ऑफ रामा ये 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन एडवेंचर फिल्म है, फिल्म को हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु ये दो डब्ड वर्जन में रिलीज किया गया था और इन तीन लैंग्वेजेस में फिल्म को एक साथ थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म का जो जोनर है वो है एक्शन एडवेंचर इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है अभिषेक शर्मा ने फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी अभिषेक शर्मा ने ही किए हुए फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा ने जिन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउसेज जैसे कि अमेजोन स्टूडियो के पबक कोट फिल्म लाइका प्रोडक्शन और अबुनतनिया एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को करीबन डेढ़ करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे फिल्म की सिनेमेटोग्राफी असीम मिश्रा ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग रामेश्वरेश भगत ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे तेईस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में डेनियल बी जियोज का आपको बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलेगा जो सॉन्ग्स है वो भी उन्होंने ही कंपोज किया सॉरी गाने वो अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर के पास कंपोज करवाए लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म का वो डेनियल बी जियोज ने कंपोज किया हुआ है इसके अलावा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है स्टूडियो जिन्होंने इस फिल्म को सभी में वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था अब हम बात करें फिल्म के कास्टिंग के ऊपर अक्षय कुमार लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में डॉक्टर आर्यन कुलक्षेत्र का रोल प्ले किया हुआ है जो एक आर्कोलॉजिस्ट है जैकलिन फर्नांडिस ने डॉक्टर संद्रा ब्रबिल्लो का रोल प्ले किया हुआ है नुसरत बरेजा आपको प्रोफेसर गायत्री कुलक्षेत्रा श्रेष्ठा का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी जो अक्षय कुमार का किरदार है आर्यन उसकी वाइफ का रोल है ये जो नुसरत भरूचा ने प्ले किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे स्टार कास्ट के ऊपर जहाँ पे सत्यदेव कांचराना अंजानियन पुष्पक उमारन के रोल में दिखाई देंगे ए के ए पी का रोल प्ले किया हुआ है अंगद राज को कबीर कुलरेष्ठा का रोल दिया हुआ है जो आय आर्यन और गायत्री का बेटा है जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में उनका रोल प्ले किया हुआ है शुभम जयकर देखने को मिलेंगे जेनी पर पीसी ने इस फिल्म में डॉक्टर गेब्रिल का रोल प्ले किया हुआ है नजर ने इस फिल्म में इंद्रकांत का रोल प्ले किया हुआ है प्रवेश राणा को प्रोजेक्ट मैनेजर बाली का रोल दिया गया था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की शुरुआत का जो करीबन इस फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा ने दो में ही कर दी थी जहाँ पे वो इस केस के रिगार्डिंग फिल्म बनाना चाहते थे बाद में उन्होंने इस फिल्म की कहानी अक्षय कुमार को सुनाई उनको ये पसंद आई वो इस फिल्म में एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूस करने के लिए भी तैयार हो गए थे उनके साथ अमेजॉन प्राइम वीडियो लाई का प्रोडक्शन अब उनतिया एंटरटेनमेंट बाद में जुड़े और एक अच्छे खासे प्रोडक्शन के साथ इस फिल्म को बनाया गया जहाँ पे अमेजॉन वालों का ये पहला बॉलीवुड का प्रोडक्शन का पहला एक मूवी था जहाँ पे ये फिल्म जो अक्षय कुमार की माँ है वो प्रोड्यूस कर रही थी जो इस फिल्म के रिलीज से पहले करीबन सितंबर 2021 में उनकी देहांत हो गई थी इसके अलावा चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ पृथ्वीराज नाम से फिल्म बनाई हुई थी सम्राट पृथ्वीराज नाम से तो वो फिल्म के वो डिरेक्टर थे और इस फिल्म में उन्होंने क्रिएटिव प्रोड्यूसर का रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है उसमें काफ़ी सारे जो इंसिडेंट है वो रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है और फिल्म में दूसरे को दूसरे अच्छे खासे फेक्ट्स भी दिखाए हुए कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो मार्च दो से पता चला था कि जैकलिन फर्नाडिस नुसरत फरूचा इस फिल्म में लीड रोल के लिए आ, कास्ट की गई है जो अक्षय कुमार के अपोजिट आपको देखने को मिलेगी जून दो में एक और अनाउंसमेंट की गई थी जहाँ पे बताया गया था कि तेलुगु एक्टर सत्यदेव कांच इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करने वाले और हिंदी सिनेमा के लिए उनका डेब्यू होने वाला है इस फिल्म की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो 14 नवंबर 2020 को दिवाली के मौके के ऊपर की गई थी दिसंबर 2020 तक फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था अयोध्या से लेकिन बाद में जो चीजें कुछ जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रही जिस वजह से फिल्म की शूटिंग के शेड्यूल को चेंज करना पड़ा लोकेशन चेंज करने पड़े फिल्म का शॉट पूजा सेरेमनी है वो अट्ठारह मार्च दो को राम जन्मभूमि टेंको टेम्पल अयोध्या में की गई थी उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को अलग अलग जगह पर कंप्लीट करवाया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी तीस मार्च दो से मुंबई से स्टार्ट की गई थी कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म कई बार पॉज हुई थी कई बार रिज्यूम हुई थी जहाँ पर कुछ एक्टर्स को इस फिल्म में कोविड पॉजिटिव हुआ था जिसके चलते इस फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा था उसके बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था लॉकडाउन के बीच में पूरी तरह से इस फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म के साथ साथ अक्षय कुमार ने रक्षाबंधन कटपुटली ये दो फिल्में भी की हुई थी इसके अलावा उन्होंने बेल बॉटम करके एक फिल्म थी जो बाहर शूट करके कंप्लीट करवाई हुई थी उसके बीच में इस फिल्म की शूटिंग भी उन्होंने कंप्लीट की हुई थी अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म में टोटल चार गाने जहाँ पे अजय अतुल विक्रम मोन्तर से वेद शर्मा और डॉक्टर जियोज ने सभी अलग अलग आर्टिस्ट ने एक एक गानों को कंपोज किया और एक तो है वो टेफन दूसरा है जय श्री राम तीसरा है बहुत दिन बीते चौथा है ओम नमस् शिवाय तो ये चार गाने जो कंपोज किए गए हैं जिसकी लेंथ उनतीस मिनट अड़तीस सेकंड है और ये सभी गाने आपको दो यूट्यूब पे सुनने को मिलेंगे इसी म्यूजिक कंपनी के यूट्यूब चैनल के ऊपर जिनके पास इस फिल्म के म्यूजिक ऑडियो राइट्स है तो वहाँ पे ऑडियो ऑडियो फॉर्मेट में इन गानों को आप इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें राम सेतु फिल्म की कहानी के ऊपर आर्यन कुलर श्रेष्ठा जिसका रोल प्ले कर रहे अक्षय कुमार जो एक रिनोम्ड आर्कोलॉजिस्ट है जहाँ पे उनको जॉइंट डायरेक्टर के तौर पे आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में प्रमोट किया जाता है जहाँ पे उन्होंने कुछ रिमार्केबल रिमार्केबल वर्क किया हुआ है जिस वजह से उनका ये एक इंक्रीमेंट हुआ है इंद्रकांत जो रोल प्ले करे नजर वो डिसाइड करते हैं कि वो सेतु समुद्र में जो एक प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करने वाले है जहाँ पे राम सेतु को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा लेकिन उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती जिस वजह से वो डिस्ट्रॉय एकदम से नहीं हो सकता उसके ऊपर एक केस हो जाता है बाद में आर्यन किस तरह से इन सभी चीज़ों को हैंडल करता है और बाद में ये सभी चीज़ें जो तथ्य है उसको कैसे साबित करेगा वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी की हुई है जहाँ पर फिल्म के आर्टिस्ट ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ फिल्म की परफॉर्मेंसेज फिल्म के डायलॉग काफ़ी अच्छे थे कलर ग्रेडिंग कलर टोन वी एफ एक्स डिसेंट था एक्टर्स की परफॉर्मेंस जहाँ पे सत्यदेव ने भी शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ अक्षय कुमार एस यूजल अपना काम निभाते हुए नज़र आते सभी ने अपना काम बखूबी निभाया होता टेक्निकल मामले में फिल्म अच्छी नज़र आ रही थी म्यूजिक थोड़ा बेटर हो सकता था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और भी बेहतर वे में क्रिएट किया जा सकता था डायरेक्टर ने इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्साइटिंग मैनर में डिरेक्ट किया हुआ है जो आपको देखने में ज़रूर पसंद आएगा रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें पच्चीस अक्टूबर 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहां पे इस फिल्म को हिंदी वर्ज़न के साथ साथ तमिल और तेलुगु ये दो डब्ड वर्ज़न में भी रिलीज़ किया गया था इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तब एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था जहां पे इस फिल्म ने डेढ़ सौ करोड़ के बजट के सामने करीबन सौ करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था आईएमडीबी पे फिल्म को करीबन दस हजार वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से फिल्म के जो राइट्स है ओ सैटेलाइट राइट्स वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के बेचे गए जहाँ पे ओ राइट्स है वो फिल्म के अमेजन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए वहीं पर सेटेलाइट राइट्स स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए फोराम से तो फिल्म आपको हिंदी तमिल तेलुगू ये तो तीन वर्जन है जहाँ पे हिंदी मेन वर्जन है तमिल तेलुगु डब्ड वर्जन ये सभी वर्जन में ओ टी टी प्लेटफॉर्म यानी कि अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ देखने को मिल जाएगी वहीं पे इस फिल्म को आप हिंदी वर्जन में स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर सकते हो

ये एक 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन एडवेंचर फिल्म है जहाँ पे फिल्म को हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु ये दो डब्ड वर्जन में रिलीज किया गया था और इन तीन लैंग्वेज में फिल्म को एक साथ थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म का जो, जो जोनर है वो है एक्शन एडवेंचर इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है अभिषेक शर्मा ने फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी अभिषेक शर्मा ने ही किए हुए है फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा ने जिन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउसेस जैसे कि अमेजोन स्टूडियो के पॉपकोर्ट फिल्म लाइका प्रोडक्शन और अबुनतनिया एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को करीबन डेढ़ करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे फिल्म की सिनेमेटोग्राफी असीम मिश्रा ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग रामेश्वरेश भगत ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे तेईस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में डेनियल बी जियोज का आपको बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलेगा जो सॉन्ग्स है वो भी उन्होंने ही कंपोज किए सॉरी गाने वो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के पास कंपोज करवाए लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म का वो डेनियल बी जीओ ने कंपोज किया हुआ है इसके अलावा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है जी स्टूडियो जिन्होंने इस फिल्म को सभी वर्जन में वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था अब हम बात करें फिल्म के कास्टिंग के ऊपर अक्षय कुमार लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में डॉक्टर आर्यन कुलक्षेत्र का रोल प्ले किया हुआ है जो एक आर्कोलॉजिस्ट है जैकलिन फर्नांडिस ने डॉक्टर संद्रा ब्रबिल्लो का रोल प्ले किया हुआ है नुसरत बरेजा आपको प्रोफेसर गायत्री कुलक्षेत्र श्रेष्ठा का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी जो अक्षय कुमार का किरदार है आर्यन उसकी वाइफ का रोल है ये जो नुसरत भरूचा ने प्ले किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे स्टार कास्ट के ऊपर जहाँ पे सत्यदेव कांचराना अंजानियन पुष्पक उमारन के रोल में दिखाई देंगे ए के ए पी का रोल प्ले किया हुआ है अंगद राज को कबीर कुलरेष्ठा का रोल दिया हुआ है जो आय आर्यन और गायत्री का बेटा है जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में उनका रोल प्ले किया हुआ है शुभम जयकर देखने को मिलेंगे जेनीपर पी सी ने इस फिल्म में डॉक्टर गेब्रिल का रोल प्ले किया हुआ है नजर ने इस फिल्म में इंद्रकांत का रोल प्ले किया हुआ है प्रवेश राणा को प्रोजेक्ट मैनेजर बाली का रोल दिया गया था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की शुरुआत का जो करीबन इस फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा ने दो में ही कर दी थी जहाँ पे वो इस केस के रिगार्डिंग फिल्म बनाना चाहते थे बाद में उन्होंने इस फिल्म की कहानी अक्षय कुमार को सुनाई उनको ये पसंद आई वो इस फिल्म में एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूस करने के लिए भी तैयार हो गए थे उनके साथ अमेजॉन प्राइम वीडियो लाई का प्रोडक्शन अब उन एंटरटेनमेंट बाद में जुड़े और एक अच्छे खासे प्रोडक्शन के साथ इस फिल्म को बनाया गया जहाँ पे अमेजॉन वालों का ये पहला बॉलीवुड का प्रोडक्शन का पहला एक मूवी था जहाँ पे ये फिल्म जो अक्षय कुमार की माँ है वो प्रोड्यूस कर रही थी जो इस फिल्म के रिलीज से पहले करीबन सितंबर 2021 में उनकी देहांत हो गई थी इसके अलावा चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ पृथ्वीराज नाम से फिल्म बनाई हुई थी सम्राट पृथ्वीराज नाम से तो वो फिल्म के वो डायरेक्टर थे और इस फिल्म में उन्होंने क्रिएटिव प्रोड्यूसर का रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है उसमें काफ़ी सारे जो इंसिडेंट है वो रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है और फिल्म में दूसरे को दूसरे अच्छे खासे फेक्ट्स भी दिखाए हुए कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो मार्च दो से पता चला था कि जैकलिन फर्नाडिस नुसरत फरूचा इस फिल्म में लीड रोल के लिए कास्ट की गई है जो अक्षय कुमार के अपोजिट आपको देखने को मिलेगी जून 2021 में एक और अनाउंसमेंट की गई थी जहां पे बताया गया था कि तेलुगु एक्टर सत्यदेव कांचराना इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करने वाले और हिंदी सिनेमा के लिए उनका डेब्यू होने वाला है इस फिल्म की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो चौदह नवंबर 2020 को दिवाली के मौके के ऊपर की गई थी दिसंबर 2020 तक फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था अयोध्या से लेकिन बाद में जो चीज़ें कुछ जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रही जिस वजह से फिल्म की शूटिंग के शेड्यूल को चेंज करना पड़ा लोकेशन चेंज करने पड़े फिल्म का मोहर और पूजा सेरेमनी है वो अट्ठारह मार्च दो को राम जन्मभूमि टेंकू टेम्पल अयोध्या में की गई थी उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को अलग अलग जगह पर कंप्लीट करवाया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी तीस मार्च दो से मुंबई से स्टार्ट की गई थी कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म कई बार पॉज हुई थी कई बार रिज्यूम हुई थी जहाँ पर कुछ एक्टर्स को इस फिल्म में कोविड पॉजिटिव हुआ था जिसके चलते इस फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा था उसके बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था तो लॉकडाउन के बीच में पूरी तरह से इस फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म के साथ साथ अक्षय कुमार ने रक्षाबंधन कटपुटली ये दो फिल्में भी की हुई थी इसके अलावा उन्होंने बेल बॉटम करके एक फिल्म थी जो बाहर शूट करके कंप्लीट करवाई हुई थी उसके बीच में इस फिल्म की शूटिंग भी उन्होंने कंप्लीट की हुई थी अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म में टोटल चार गाने जहाँ पे अजय अतुल विक्रम मोन्तर से वेद शर्मा और डॉक्टर ज्योर्ज ने सभी अलग अलग आर्टिस्ट ने एक एक गानों को कंपोज किया और एक तो है वो टेफन दूसरा है जय श्री राम तीसरा है बहुत दिन बीते चौथा है ओम नमस् शिवाय तो ये चार गाने जो कंपोज किए गए हैं जिसकी लेंथ उनतीस मिनट अड़तीस सेकंड है और ये सभी गाने आपको दो यूट्यूब पे सुनने को मिलेंगे इसी म्यूजिक कंपनी के यूट्यूब चैनल के ऊपर जिनके पास इस फिल्म के म्यूजिक ऑडियो राइट्स है तो वहाँ पर ऑडियो ऑडियो

सेतु समुद्र में जो एक प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करने वाले जहाँ पे राम सेतु को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा लेकिन उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जिस वजह से वो डिस्ट्रॉय एकदम से नहीं हो सकता उसके ऊपर एक केस हो जाता है बाद में आर्यन किस तरह से इन सभी चीज़ों को हैंडल करता है और बाद में ये सभी चीज़ें जो तथ्य है उसको कैसे साबित करेगा वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी की हुई है जहाँ पर फिल्म के आर्टिस्ट ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ फिल्म की परफॉर्मेंसेज फिल्म के डायलॉग काफ़ी अच्छे थे कलर ग्रेडिंग कलर टोन वी एफ डिसेंट था एक्टर्स की परफॉर्मेंस जहाँ पे सत्यदेव ने भी एक शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ अक्षय कुमार एज यूजल अपना काम निभाते हुए नज़र आते हैं सभी ने अपना काम बखूबी निभाया होता टेक्निकल मामले में फिल्म अच्छी नजर आ रही थी म्यूजिक थोड़ा बेटर हो सकता था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और भी बेहतर वे में क्रिएट किया जा सकता था डायरेक्टर ने इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्साइटिंग मैनर में डिरेक्ट किया हुआ है जो आपको देखने में ज़रूर पसंद आएगा रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें पच्चीस अक्टूबर 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहां पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन के साथ साथ तमिल और तेलुगु ये दो डब्ड वर्जन में भी रिलीज़ किया गया था इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था जहां पे इस फिल्म ने डेढ़ सौ करोड़ के बजट के सामने करीबन सौ करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था आई पे फिल्म को करीबन दस हज़ार वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से फिल्म के जो राइट्स है ओ टी टी सेटेलाइट से राइट्स से वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के बेचे गए जहाँ पे ओ राइट्स है वो फिल्म के अमेज़न प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए वहीं पे सेटेलाइट राइट्स स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए तो आम से तो फिल्म आपको हिंदी तमिल तेलुगु ये तो तीन वर्जन है जहाँ पे हिंदी मेन वर्ज़न है तमिल तेलुगू डब्ड वर्जन ये सभी वर्ज़न में ओ टी प्लेटफॉर्म यानी कि अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी वहीं पर इस फिल्म को आप हिंदी वर्जन में स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर सकते हो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि राम सेतु फिल्म आपको अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलुगु वर्जन में इसके अलावा सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर राम सेतु फिल्म आप हिंदी वर्जन में ऑफिशियली फ्री में इंजॉय कर सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म को आप हिंदी तमिल तेलुगु वर्जन में ऑफिशियली ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर पाओगे राम सेतु जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है द ब्रिज ऑफ रामा ये एक 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन एडवेंचर फिल्म है जहाँ पे फिल्म को हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु ये दो डब्ड वर्जन में रिलीज किया गया था और इन तीन लैंग्वेजेज में फिल्म को एक साथ थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म का जो, जो जोनर है वो है एक्शन एडवेंचर इस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है अभिषेक शर्मा ने फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी अभिषेक शर्मा ने ही किए हुए फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा ने जिन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउसेस जैसे कि अमेजॉन स्टूडियो केपक कोर्ट फिल्म लाइका प्रोडक्शन और अबुंतनिया एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को करीबन डेढ़ करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे फिल्म की सिनेमेटोग्राफी असीम मिश्रा ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग रामेश्वरेश भगत ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे तेईस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में डेनियल डैनियल बीजियोज का आपको बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलेगा जो सॉन्ग्स है वो भी उन्होंने ही कंपोज किए सॉरी गाने वो अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर के पास कंपोज करवाए लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म का वो डेनियल बी जी ने कंपोज किया हुआ है इसके अलावा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है जी स्टूडियो जिन्होंने इस फिल्म को सभी वर्जन में वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था अब हम बात करें फिल्म के कास्टिंग के ऊपर अक्षय कुमार लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में डॉक्टर आर्यन कुलक्षेत्र का रोल प्ले किया हुआ है जो एक आर्कोलॉजिस्ट है जैकलिन फर्नांडिस ने डॉक्टर संद्रा ब्रबिल्लो का रोल प्ले किया हुआ है नुसरत बरेचा आपको प्रोफेसर गायत्री कुलक्षेत्रा शेरिष्टा का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी जो अक्षय कुमार का किरदार है आर्यन उसकी वाइफ का रोल है ये जो नुसरत भरूचा ने प्ले किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे स्टार कास्ट के ऊपर जहाँ पे सत्यदेव कांचराना अंजानियन पुष्पक उमारन के रोल में दिखाई देंगे ए के ए पी का रोल प्ले किया हुआ है अंगद राज को कबीर कुलरेष्ठा का रोल दिया हुआ है जो आय आर्यन और गायत्री का बेटा है जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में उनका रोल प्ले किया हुआ है शुभम जयकर देखने को मिलेंगे जेनीपर पी सी ने इस फिल्म में डॉक्टर गेब्रिल का रोल प्ले किया हुआ है नजर ने इस फिल्म में इंद्रकांत का रोल प्ले किया हुआ है प्रवेश राणा को प्रोजेक्ट मैनेजर बाली का रोल दिया गया था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की शुरुआत का जो करीबन इस फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा ने दो हज़ार सात में ही कर दी थी जहाँ पे वो इस केस के रिगार्डिंग फिल्म बनाना चाहते थे बाद में उन्होंने इस फिल्म की कहानी अक्षय कुमार को सुनाई उनको ये पसंद आई वो इस फिल्म में एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूस करने के लिए भी तैयार हो गए थे उनके साथ अमेजॉन प्राइम वीडियो लाई का प्रोडक्शन अब उन एंटरटेनमेंट बाद में जुड़े और एक अच्छे खासे प्रोडक्शन के साथ इस फिल्म को बनाया गया जहाँ पर अमेजन वालों का ये पहला प्रोडोली ुड का प्रोडक्शन का पहला एक मूवी था जहाँ पे ये फिल्म जो अक्षय कुमार की माँ है वो प्रोड्यूस कर रही थी जो इस फिल्म के रिलीज से पहले करीबन सितंबर 2021 में उनकी देहांत हो गई थी इसके अलावा चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ पृथ्वीराज नाम से फिल्म बनाई हुई थी सम्राट पृथ्वीराज नाम से तो वो फिल्म के वो डायरेक्टर थे और इस फिल्म में उन्होंने क्रिएटिव प्रोड्यूसर का रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है उसमें काफ़ी सारे जो इंसिडेंट है वो रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है और फिल्म में दूसरे को दूसरे अच्छे खासे फेक्ट्स भी दिखाए हुए कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो मार्च दो से पता चला था कि जैकलिन फर्नांडिस नुसरत फरूजा इस फिल्म में लीड रोल के लिए आ, कास्ट की गई है जो कुमार के ऑपोजिट आपको देखने को मिलेगी जून 2021 में एक और अनाउंसमेंट की गई थी जहां पे बताया गया था कि तेलुगु एक्टर सत्यदेव कांचराना इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करने वाले और हिंदी सिनेमा के लिए उनका डेब्यू होने वाला है इस फिल्म की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो चौदह नवंबर दो को दिवाली के मौके के ऊपर की गई थी दिसंबर दो तक फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था अयोध्या से लेकिन बाद में जो चीज़ें कुछ जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रही जिस वजह से फिल्म की शूटिंग के शेड्यूल को चेंज करना पड़ा लोकेशन चेंज करने पड़े फिल्म का मोहर स्टॉट पूजा सेरेमनी है वो 18 मार्च दो को राम जन्मभूमि टेंकू टेम्पल अयोध्या में की गई थी उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को अलग अलग जगह पर कंप्लीट करवाया गया था प्रिंसिपल ऑफ़ फोटोग्राफी तीस मार्च दो हजार से मुंबई से स्टार्ट की गई थी कोविड 19 की वजह से फिल्म कई बार पॉज हुई थी कई बार रिज्यूम हुई थी जहां पे कुछ एक्टर्स को इस फिल्म में कोविड पॉजिटिव हुआ था जिसके चलते इस फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा था उसके बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था तो लॉकडाउन के बीच में पूरी तरह से इस फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था जहाँ पर इस फिल्म के साथ साथ अक्षय कुमार ने रक्षाबंधन कटपुट ये दो फिल्में भी की हुई थी इसके अलावा उन्होंने या, बेल बॉटम करके एक फिल्म थी जो बाहर शूट करके कंप्लीट करवाई हुई थी उसके बीच में इस फिल्म की शूटिंग भी उन्होंने कंप्लीट किए हुई थी अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म में टोटल चार गाने जहाँ पे अजय अतुल विक्रम मोन्तर से वेद शर्मा और डॉक्टर जियोज ने सभी अलग अलग आर्टिस्ट ने एक एक गानों को कम्पोज किया और एक तो है वो टेफन दूसरा है जय श्री राम तीसरा है बहुत दिन बीते चौथा है ओम नमस् शिवाय तो ये चार गाने जो कम्पोज़ किए गए हैं जिसकी लेंथ उनतीस मिनट अड़तीस सेकंड है और ये सभी गाने आपको दो यूट्यूब पे सुनने को मिलेंगे इसी म्यूज़िक कंपनी के यूट्यूब चैनल के ऊपर जिनके पास इस फिल्म के म्यूज़िक ऑडियो राइट्स है तो वहाँ पे ऑडियो ऑडियो फॉर्मेट में इन गानों को आप एंजॉय कर सकते हो अब हम बात करें राम सेतु फिल्म की कहानी के ऊपर आर्यन कुलर श्रेष्ठा जिसका रोल प्ले रहे अक्षय कुमार जो एक रिनोड आर्कोलॉजिस्ट है जहाँ पे उनको जॉइंट डायरेक्टर के तौर पे आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में प्रमोट किया जाता है जहाँ पे उन्होंने कुछ रिमार्केबल रिमार्केबल वर्क किया हुआ है जिस वजह से उनका ये एक इंक्रीमेंट हुआ है इंद्रकांत जो रोल प्ले करे नजर वो डिसाइड करते हैं कि वो सेतु समुद्र में जो एक प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करने वाले जहाँ पे राम सेतु को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा लेकिन उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जिस वजह से वो डिस्ट्रॉय एकदम से नहीं हो सकता उसके ऊपर एक केस हो जाता है बाद में आर्यन किस तरह से इन सभी चीज़ों को हैंडल करता है और बाद में ये सभी चीज़ें जो तथ्य है उसको कैसे साबित करेगा वही सब चीज़ों फिल्म की कहानी की हुई है जहाँ पर फिल्म के आर्टिस्ट ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है फिल्म की परफॉर्मेंसेज फिल्म के डायलॉग काफ़ी अच्छे थे कलर ग्रेडिंग कलर टोन वी एफ एक्स डिसेंट था एक्टर्स की परफॉर्मेंस जहाँ पे सत्यदेव ने भी एक शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ अक्षय तो कुमार एज यूजल अपना काम निभाते हुए नज़र आते सभी ने अपना काम बखूबी निभाया होता टेक्निकल मामले में फिल्म अच्छी नज़र आ रही थी म्यूजिक थोड़ा बेटर हो सकता था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और भी बेहतर वे में क्रिएट किया जा सकता था डायरेक्टर ने इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्साइटिंग मैनर में डिरेक्ट किया हुआ है जो आपको देखने में ज़रूर पसंद आएगा रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें पच्चीस अक्टूबर 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहां पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन के साथ साथ तमिल और तेलुगु ये दो डब्ड वर्जन में भी रिलीज किया गया था इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तब एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था जहां पे इस फिल्म ने डेढ़ सौ करोड़ के बजट के सामने करीबन सौ करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था आईएमडीबी पे फिल्म को करीबन दस हजार वोट मिले हुए जिसमें पांच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से फिल्म के जो राइट्स है ओ टी टी सेटेलाइट राइट, से, वो, से राइट से, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के बेचे गए जहाँ पे ओ टी टी राइड है वो फिल्म के अमेजन प्राइम वीडियो वालों वर्जन है। सभी वर्जन में, के उपर, देखने को मिल जाएगी वहीं पर फिल्म को आप हिंदी वर्जन में स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर सकते हो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि राम सेतु फिल्म आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलुगू वर्जन में इसके अलावा सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर राम सेतु फिल्म आप हिंदी वर्जन में ऑफिशियली फ्री में इन्जॉय कर सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म को आप हिंदी तमिल तेलुगु वर्जन में ऑफिशियली ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर पाओगे अब हम बात करें फिल्म के कास्टिंग के ऊपर अक्षय कुमार लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में डॉक्टर आर्यन कुलक्षेत्र का रोल प्ले किया हुआ है जो एक आर्कोलॉजिस्ट है जैकलिन फर्नांडिस ने डॉक्टर चंद्र ब्रबिल्लो का रोल प्ले किया हुआ है नुसरत बरेजा आपको प्रोफेसर गायत्री कुलक्षेत्र श्रेष्ठा का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी जो अक्षय कुमार का किरदार है आर्यन उसकी वाइफ का रोल है ये जो नुसरत भरूचा ने प्ले किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे स्टार कास्ट के ऊपर जहाँ पे सत्यदेव कांचराना अंजानियन पुष्पा उमारन के रोल में दिखाई देंगे ए के ए पी का रोल प्ले किया हुआ है अंगत राज को कबीर कुलरेष्ठा का रोल दिया हुआ है जो आय आर्यन और गायत्री का बेटा है जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में उनका रोल प्ले किया हुआ है शुभम जयकर देखने को मिलेंगे जेनीपर पी ने इस फिल्म में डॉक्टर गेब्रिल का रोल प्ले किया हुआ है नजर ने इस फिल्म में इंद्रकांत का रोल प्ले किया हुआ है प्रवेश राणा को प्रोजेक्ट मैनेजर बाली का रोल दिया गया था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की शुरुआत का जो करीबन इस फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा ने दो हज़ार सात में ही कर दी थी जहाँ पे वो इस केस के रिगार्डिंग फिल्म बनाना चाहते थे बाद में उन्होंने इस फिल्म की कहानी अक्षय कुमार को सुनाई उनको ये पसंद आई वो इस फिल्म में एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूस करने के लिए भी तैयार हो गए थे उनके साथ अमेजॉन प्राइम वीडियो लाई का प्रोडक्शन अब उन एंटरटेनमेंट बाद में जुड़े और एक अच्छे खासे प्रोडक्शन के साथ इस फिल्म को बनाया गया जहाँ पर अमेज़न वालों का ये पहला बॉलीवुड का प्रोडक्शन का पहला एक मूवी था जहाँ पे ये फिल्म जो अक्षय कुमार की माँ है वो प्रोड्यूस कर रही थी जो इस फिल्म के रिलीज से पहले करीबन सितंबर 2021 में उनकी देहांत हो गई थी इसके अलावा चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ पृथ्वीराज नाम से फिल्म बनाई हुई थी सम्राट पृथ्वीराज नाम से तो वो फिल्म के वो डायरेक्टर थे और इस फिल्म में उन्होंने क्रिएटिव प्रोड्यूसर का रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है उसमें काफ़ी सारे जो इंसिडेंट है वो रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है और फिल्म में दूसरे को दूसरे अच्छे खासे फेक्ट्स भी दिखाए हुए कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो मार्च दो से पता चला था कि जैकलिन फर्नाडिस नुसरत फरूचा इस फिल्म में लीड रोल के लिए कास्ट की गई है जो कुमार के ऑपोजिट आपको देखने को मिलेगी जून 2021 में एक और अनाउंसमेंट की गई थी जहां पे बताया गया था कि तेलुगु एक्टर सत्यदेव कांच इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करने वाले और हिंदी सिनेमा के लिए उनका डेब्यू होने वाला है इस फिल्म की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो चौदह नवंबर दो को दिवाली के मौके के ऊपर की गई थी दिसंबर 2020 तक फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था अयोध्या से लेकिन बाद में जो चीज़ें कुछ जिस तरह से होनी चाहिए तो उस तरह से नहीं हो पा रही जिस वजह से फिल्म की शूटिंग के शेड्यूल को चेंज करना पड़ा लोकेशंस चेंज करने पड़े फिल्म का मोहर शॉट पूजा सेरेमनी है वो अट्ठारह मार्च दो हज़ार इक्कीस को राम जन्मभूमि में टेंकू टेम्पल अयोध्या में की गई थी उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को अलग अलग जगह पर कंप्लीट करवाया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी तीस मार्च दो से मुंबई से स्टार्ट की गई थी कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म कई बार पॉज हुई थी कई बार रिज्यूम हुई थी जहाँ पर कुछ एक्टर्स को इस फिल्म में या कोविड पॉजिटिव हुआ था जिसके चलते इस फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा था उसके बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था तो लॉकडाउन के बीच में पूरी तरह से इस फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था तो जहाँ पर इस फिल्म के साथ साथ अक्षय कुमार ने रक्षाबंधन कटपुटली ये दो फिल्में भी की हुई थी इसके अलावा उन्होंने बेल बॉटम करके एक फिल्म थी जो बाहर शूट करके कंप्लीट करवाई हुई थी उसके बीच में इस फिल्म की शूटिंग भी उन्होंने कंप्लीट की हुई थी अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म में टोटल चार गाने जहाँ पे अजय अतुल विक्रम मोन्तरा से वेद शर्मा और डॉक्टर जियज ने सभी अलग अलग आर्टिस्ट ने एक एक गानों को कंपोज किया और एक तो है वो टेफन दूसरा है जय श्री राम तीसरा है बहुत दिन बीते चौथा है ओम नमस् शिवाय तो ये चार गाने जो कंपोज किए गए हैं जिसकी लेंथ उनतीस मिनट अड़तीस सेकंड है और ये सभी गाने आपको दो यूट्यूब पे सुनने को मिलेंगे इसी म्यूजिक कंपनी के यूट्यूब चैनल के ऊपर जिनके पास इस फिल्म के म्यूजिक ऑडियो राइट्स है तो वहाँ पे ऑडियो ऑडियो फॉर्मेट में इन गानों आप इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें राम सेतु फिल्म की कहानी के ऊपर आर्यन का कुलर श्रेष्ठा जिसका रोल प्ले कर रहे अक्षय कुमार जो एक रिनोड आर्कोलॉजिस्ट है जहाँ पे उनको जॉइंट डायरेक्टर के तौर पे आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में प्रमोट किया जाता है जहाँ पे उन्होंने कुछ रिमार्केबल रिमार्केबल वर्क किया हुआ है जिस वजह से उनका ये एक इंक्रीमेंट हुआ है इंद्रकांत जो रोल प्ले करे नजर वो डिसाइड करते हैं कि वो सेतु समुद्र में जो एक प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करने वाले जहाँ पे राम सेतु को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा लेकिन उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जिस वजह से वो डिस्ट्रॉय एकदम से नहीं हो सकता उसके ऊपर एक केस हो जाता है बाद में आर्यन किस तरह से इन सभी चीज़ों को हैंडल करता है और बाद में ये सभी चीज़ें जो तथ्य है उसको कैसे साबित करेगा वही सब चीज़ों फिल्म की कहानी की हुई है जहाँ पर फिल्म के आर्टिस्ट ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ फिल्म की परफॉर्मेंसेज फिल्म के डायलॉग काफ़ी अच्छे थे कलर ग्रेडिंग कलर टोन वी एफ एक्स डिसेंट था एक्टर्स की परफॉर्मेंस जहाँ पे सत्यदेव ने भी एक शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ अक्षय कुमार एज यूजल अपना काम निभाते हुए नज़र आते सभी ने अपना काम बखूबी निभाया होता टेक्निकल मामले में फिल्म अच्छी नज़र आ रही थी म्यूजिक थोड़ा बेटर हो सकता था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और भी बेहतर वे में क्रिएट किया जा सकता था डायरेक्टर इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्साइटिंग मैनर में डिरेक्ट किया हुआ है जो आपको देखने में ज़रूर पसंद आएगा रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें पच्चीस अक्टूबर 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन के साथ साथ तमिल और तेलुगु ये दो डब्ड वर्जन में भी रिलीज किया गया था इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था जहाँ पे इस फिल्म ने डेढ़ करोड़ के बजट के सामने करीबन सौ करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था आई पे फिल्म को करीबन दस वोट मिले हुए जिसमें पाँच की रेटिंग हासिल हुई है दस में से राम सेतु जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है द ब्रिज ऑफ रामा ये एक 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन एडवेंचर फिल्म है जहाँ पे फिल्म को हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगू ये दो डब्ड वर्जन में रिलीज किया गया था और इन तीन लैंग्वेजेस में फिल्म को एक साथ थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म का जो, जो जोनर है वो है एक्शन एडवेंचर इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है अभिषेक शर्मा ने फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी अभिषेक शर्मा ने ही किए हुए हैं फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा ने जिन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउसेस जैसे कि अमेजोन स्टूडियो केपोपकोट फिल्म लाइका प्रोडक्शन और अब एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को करीबन डेढ़ करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे फिल्म की सिनेमेटोग्राफी असीम मिश्रा ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग रामेश्वरेश भगत ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे तेईस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में डेनियल बी जियोज का आपको बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलेगा जो सॉन्ग्स है वो भी उन्होंने ही कंपोज किया सॉरी गाने वो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के पास कंपोज करवा लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म का वो डेनियल बी जियोज ने कंपोज किया हुआ है इसके अलावा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है स्टूडियो जिन्होंने इस फिल्म को सभी में वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था अब हम बात करें फिल्म के कास्टिंग के ऊपर अक्षय कुमार लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में डॉक्टर आर्यन कुलक्षेत्र का रोल प्ले किया हुआ है जो एक आर्कोलॉजिस्ट है जैकलिन फर्नांडिस ने डॉक्टर संद्रा ब्रबिल्लो का रोल प्ले किया हुआ है नुसरत बरेजा आपको प्रोफेसर गायत्री कुलक्षेत्र श्रेष्ठा का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी जो अक्षय कुमार का किरदार है आर्यन उसकी वाइफ का रोल है ये जो नुसरत भरूचा ने प्ले किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे स्टार कास्ट के ऊपर जहाँ पे सत्यदेव कांचराना अंजानियन पुष्पक उमारन के रोल में दिखाई देंगे ए के ए पी का रोल प्ले किया हुआ है अंगद राज को कबीर कुलरेष्ठा का रोल दिया हुआ है जो आय आर्यन और गायत्री का बेटा है जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में उनका रोल प्ले किया हुआ है शुभम जयकर देखने को मिलेंगे जेनी पर पी सी ने इस फिल्म में डॉक्टर गेब्रिल का रोल प्ले किया हुआ है नजर ने इस फिल्म में इंद्रकांत का रोल प्ले किया हुआ है प्रवेश राणा को प्रोजेक्ट मैनेजर बाली का रोल दिया गया था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की शुरुआत का जो करीबन इस फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा ने दो में ही कर दी थी जहाँ पे वो इस केस के रिगार्डिंग फिल्म बनाना चाहते थे बाद में उन्होंने इस फिल्म की कहानी अक्षय कुमार को सुनाई उनको ये पसंद आई वो इस फिल्म में एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूस करने के लिए भी तैयार हो गए थे उनके साथ अमेजॉन प्राइम वीडियो का प्रोडक्शन अभुन्तिया एंटरटेनमेंट बाद में जुड़े और एक अच्छे खासे प्रोडक्शन के साथ इस फिल्म को बनाया गया जहाँ पे अमेजॉन वालों का ये पहला बॉलीवुड का प्रोडक्शन का पहला एक मूवी था जहाँ पे ये फिल्म जो अक्षय कुमार की माँ है वो प्रोड्यूस कर रही थी जो इस फिल्म के रिलीज से पहले करीबन सितंबर 2021 में उनकी देहांत हो गई थी इसके अलावा चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ पृथ्वीराज नाम से फिल्म बनाई हुई थी सम्राट पृथ्वीराज नाम से तो वो फिल्म के वो डायरेक्टर थे और इस फिल्म में उन्होंने क्रिएटिव प्रोड्यूसर का रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है उसमें काफ़ी सारे जो इंसिडेंट है वो रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है और फिल्म में दूसरे को दूसरे अच्छे खासे फेक्ट्स भी दिखाए हुए कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो मार्च दो से पता चला था कि जैकलिन फर्नाडिस नुसरत फरूचा इस फिल्म में लीड रोल के लिए कास्ट की गई है जो अक्षय कुमार के अपोजिट आपको देखने को मिलेगी जून दो में एक और अनाउंसमेंट की गई थी जहाँ पे बताया गया था कि तेलुगु एक्टर सत्यदेव कांचराना इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करने वाले और हिंदी सिनेमा के लिए उनका डेब्यू होने वाला है इस फिल्म की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो चौदह नवंबर 2020 को दिवाली के मौके के ऊपर की गई थी दिसंबर 2020 तक फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था अयोध्या से लेकिन बाद में जो चीज़ें कुछ जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रही जिस वजह से फिल्म की शूटिंग के शेड्यूल को चेंज करना पड़ा लोकेशन चेंज करने पड़े फिल्म का मोहरस और पूजा सेरेमनी है वो अट्ठारह मार्च दो को राम जन्मभूमि टेंकू टेम्पल अयोध्या में की गई थी उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को अलग अलग जगह पर कंप्लीट करवाया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी तीस मार्च दो से मुंबई से स्टार्ट की गई थी कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म कई बार पॉज हुई थी कई बार रिज्यूम हुई थी जहाँ पर कुछ एक्टर्स को इस फिल्म में कोविड पॉजिटिव हुआ था जिसके चलते इस फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा था उसके बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था तो लॉकडाउन के बीच में पूरी तरह से इस फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म के साथ साथ अक्षय कुमार ने रक्षाबंधन कटपुटली ये दो फिल्में भी की हुई थी इसके अलावा उन्होंने बेल बॉटम करके एक फिल्म थी जो बाहर शूट करके कंप्लीट करवाई हुई थी उसके बीच में इस फिल्म की शूटिंग भी उन्होंने कंप्लीट की हुई थी अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म में टोटल चार गाने जहाँ पे अजय अतुल विक्रम मोन्तर से वेद शर्मा और डॉक्टर जियोज ने सभी अलग अलग आर्टिस्ट ने एक एक गानों को कंपोज किया हुआ एक तो है वो टेफन दूसरा है जय श्री राम तीसरा है बहुत दिन बीते चौथा है ओम नमस् शिवाय तो ये चार गाने जो कंपोज किए गए हैं जिसकी लेंथ उनतीस मिनट अड़तीस सेकंड है और ये सभी गाने आपको दो यूट्यूब पे सुनने को मिलेंगे इसी म्यूजिक कंपनी के यूट्यूब चैनल के ऊपर जिनके पास इस फिल्म के म्यूज़िक ऑडियो राइट्स है तो वहाँ पे ऑडियो ऑडियो फॉर्मेट में इन गानों को आप इंजॉय कर सकते हो अब हम बात करें राम सेतु फिल्म की कहानी के ऊपर आर्यन कुलर श्रेष्ठा जिसका रोल प्ले कर रहे अक्षय कुमार जो एक रिनोम्ड आर्कोलॉजिस्ट है जहाँ पे उनको जॉइंट डायरेक्टर के तौर पे आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में प्रमोट किया जाता है जहाँ पे उन्होंने कुछ रिमार्केबल रिमार्केबल वर्क किया हुआ है जिस वजह से उनका ये एक इंक्रीमेंट हुआ है इंद्रकांत जो रोल प्ले करे नजर वो डिसाइड करते हैं कि वो सेतु समुद्र में जो एक प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करने वाले जहाँ पे राम सेतु को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा लेकिन उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जिस वजह से वो डिस्ट्रॉय एकदम से नहीं हो सकता उसके ऊपर एक केस हो जाता है बाद में आर्यन किस तरह से इन सभी चीज़ों को हैंडल करता है और बाद में ये सभी चीज़ें जो तथ्य है उसको कैसे साबित करेगा वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी की हुई है जहाँ पर फिल्म के आर्टिस्ट ने काफ़ी बढ़िया काम किया है फिल्म की परफॉर्मेंसेज फिल्म के डायलॉग काफ़ी अच्छे थे कलर ग्रेडिंग कलर टोन वी एफ डिसेंट था एक्टर्स की परफॉर्मेंस जहाँ पे सत्यदेव ने बेक शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ अक्षय कुमार एज यूजल अपना काम निभाते हुए नज़र आते सभी ने अपना काम बखूबी निभाया होता टेक्निकल मामले में फिल्म अच्छी नजर आ रही थी म्यूजिक थोड़ा बेटर हो सकता था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और भी बेहतर वे में क्रिएट किया जा सकता था डायरेक्टर ने इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्साइटिंग मैनर में डिरेक्ट किया हुआ है जो आपको देखने में ज़रूर पसंद आएगा रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें पच्चीस अक्टूबर 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहां पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन के साथ साथ तमिल और तेलुगु ये दो डब्ड वर्जन में भी रिलीज़ किया गया था इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तब एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था जहां पे इस फिल्म ने डेढ़ सौ करोड़ के बजट के सामने करीबन सौ करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था आई पे फिल्म को करीबन दस हज़ार वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से फिल्म के जो राइट्स है ओ टी राइट्स वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के बेचे गए जहाँ पे ओ राइट्स है वो फिल्म के अमेजोन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए वहीं पर सेटेलाइट राइट्स स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए फोराम से तो फिल्म आपको हिंदी तमिल तेलुगु ये तो तीन वर्जन है जहाँ पे हिंदी मेन वर्जन है तमिल तेलुगू डब्ड वर्जन है सभी वर्जन में ओ टी टी प्लेटफॉर्म यानी कि अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी वहीं पे इस फिल्म को आप हिंदी वर्जन में स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर सकते हो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि राम सेतु फिल्म आपको अमेजोन प्राइम के ऊपर देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश हिंदी वर्जन में इसके अलावा फ्री में इंजॉय कर सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म को आप हिंदी तमिल तेलुगु वर्जन में ऑफिशियली ओ और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर पाओगे राम जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है द ब्रिज ऑफ रामा ये एक 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन एडवेंचर फिल्म है जहाँ पे फिल्म को हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु ये दो डब्ड वर्जन में रिलीज किया गया था और इन तीन लैंग्वेजेज में फिल्म को एक साथ थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म का जो, जो जोनर है वो है एक्शन एडवेंचर इस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है अभिषेक शर्मा ने फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी अभिषेक शर्मा ने ही किए हुए फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा ने जिन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउसेस जैसे कि अमेजोन स्टूडियो के, के कोड फिल्म लाइका प्रोडक्शन और अब एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को करीबन डेढ़ सौ करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पर फिल्म की सिनेमेटोग्राफी असीम मिश्रा ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग रामेश्वरेश भगत ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे तेईस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में डैनियल बीजियॉर्ज का आपको बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलेगा जो सॉन्ग्स है वो भी उन्होंने ही कंपोज किए सॉरी गाने वो अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर के पास कंपोज करवाए लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म का वो डैनियल बीजियॉर्ज ने कंपोज किया हुआ है इसके अलावा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है जी स्टूडियो जिन्होंने इस फिल्म को सभी वर्जन में वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था अब हम बात करें फिल्म के कास्टिंग के ऊपर अक्षय कुमार लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में डॉक्टर आर्यन कुलक्षेत्र का रोल प्ले किया हुआ है जो एक आर्कोलॉजिस्ट है जैकलिन फर्नांडिस ने डॉक्टर संद्रा ब्रबिल्लो का रोल प्ले किया हुआ है नुसरत बरेचा आपको प्रोफेसर गायत्री कुलक्षेत्रा शेरिष्टा का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी जो अक्षय कुमार का किरदार है आर्यन उसकी वाइफ का रोल है ये जो नुसरत भरूचा ने प्ले किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे स्टार कास्ट के ऊपर जहाँ पे सत्यदेव कांचराना अंजानियन पुष्पक उमारन के रोल में दिखाई देंगे ए के ए पी का रोल प्ले किया हुआ है अंगद राज को कबीर कुलरेष्ठा का रोल दिया हुआ है जो आय आर्यन और गायत्री का बेटा है जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में उनका रोल प्ले किया हुआ है शुभम जायकर देखने को मिलेंगे जेनी पर पी ने इस फिल्म में डॉक्टर गेब्रिल का रोल प्ले किया हुआ है नजर ने इस फिल्म में इंद्रकांत का रोल प्ले किया हुआ है प्रवेश राणा को प्रोजेक्ट मैनेजर बाली का रोल दिया गया था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की शुरुआत का जो करीबन इस फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा ने दो में ही कर दी थी जहाँ पे वो इस केस के रिगार्डिंग फिल्म बनाना चाहते थे बाद में उन्होंने इस फिल्म की कहानी अक्षय कुमार को सुनाई उनको ये पसंद आई वो इस फिल्म में एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूस करने के लिए भी तैयार हो गए थे उनके साथ अमेजॉन प्राइम वीडियो लाई का प्रोडक्शन अब एंटरटेनमेंट बाद में जुड़े और एक अच्छे खासे प्रोडक्शन के साथ इस फिल्म को बनाया गया जहाँ पर अमेजन वालों का ये पहला प्रो ुड का प्रोडक्शन का पहला एक मूवी था जहाँ पे ये फिल्म जो अक्षय कुमार की माँ है वो प्रोड्यूस कर रही थी जो इस फिल्म के रिलीज से पहले करीबन सितंबर 2021 में उनकी देहांत हो गई थी इसके अलावा चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ पृथ्वीराज नाम से फिल्म बनाई हुई थी सम्राट पृथ्वीराज नाम से तो वो फिल्म के वो डायरेक्टर थे और इस फिल्म में उन्होंने क्रिएटिव प्रोड्यूसर का रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है उसमें काफ़ी सारे जो इंसिडेंट है वो रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है और फिल्म में दूसरे कोई से दूसरे अच्छे खासे फेक्ट्स भी दिखाए हुए कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो मार्च दो से पता चला था कि जैकलिन फर्नाडिस नुसरत फरूचा इस फिल्म में लीड रोल के लिए आ, कास्ट की गई है जो अक्षय कुमार के अपोजिट आपको देखने को मिलेगी जून 2021 में एक और अनाउंसमेंट की गई थी जहाँ पे बताया गया था कि तेलुगु एक्टर सत्यदेव कांचराना इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करने वाले और हिंदी सिनेमा के लिए उनका डेब्यू होने वाला है इस फिल्म की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो चौदह नवंबर 2020 को दिवाली के मौके के ऊपर की गई थी दिसंबर 2020 तक फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था अयोध्या से लेकिन बाद में जो चीज़ें कुछ जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रही जिस वजह से फिल्म की शूटिंग के शेड्यूल को चेंज करना पड़ा लोकेशन चेंज करने पड़े फिल्म का मोहरस और पूजा सेरेमनी है वो अट्ठारह मार्च दो को राम जन्मभूमि टेंकू टेम्पल अयोध्या में की गई थी उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को अलग अलग जगह पर कंप्लीट करवाया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी तीस मार्च दो हजार से मुंबई से स्टार्ट की गई थी कोविड 19 की वजह से फिल्म कई कई बार थी, बार पॉज हुई हुई थी थी रिज्यूम जहां पे कुछ एक्टर्स को इस फिल्म में कोविड पॉजिटिव हुआ था जिसके चलते इस फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा था उसके बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था तो लॉकडाउन के बीच में पूरी तरह से इस फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था जहाँ पर इस फिल्म के साथ साथ अक्षय कुमार ने रक्षाबंधन कटपुट ये दो फिल्में भी की हुई थी इसके अलावा उन्होंने या, बेल बॉटम करके एक फिल्म थी जो बाहर शूट करके कंप्लीट करवाई हुई थी उसके बीच में इस फिल्म की शूटिंग भी उन्होंने कंप्लीट किए हुई थी अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म में टोटल चार गाने जहाँ पे अजय अतुल विक्रम मोहतर से वेद शर्मा और डॉक्टर ज्योर्ज ने सभी अलग अलग आर्टिस्ट ने एक एक गानों को कम्पोज़ किया हुआ एक तो है वो टे फन दूसरा है जय श्री राम तीसरा है बहुत दिन बीते चौथा है ओम नमस् शिवाय तो ये चार गाने जो कम्पोज किए गए जिसकी लेंथ उनतीस मिनट अड़तीस सेकंड है और ये सभी गाने आपको दो यूट्यूब पे सुनने को मिलेंगे इसी म्यूजिक कंपनी के यूट्यूब चैनल के ऊपर जिनके पास इस फिल्म के म्यूज़िक ऑडियो राइट्स है तो वहाँ पे ऑडियो ऑडियो फॉर्मेट में इन गानों को आप इंजॉय कर सकते हो अब हम बात करें राम सेतु फिल्म की कहानी के ऊपर आर्यन कुलर श्रेष्ठा जिसका रोल प्ले करे अक्षय कुमार जो एक रिनोम्ड आर्कोलॉजिस्ट है जहाँ पे उनको ज्वाइंट डायरेक्टर के तौर पे आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में प्रमोट किया जाता है जहाँ पे उन्होंने कुछ रिमार्केबल रिमार्केबल वर्क किया हुआ है जिस वजह से उनका ये एक इंक्रीमेंट हुआ है इंद्रकांत जो रोल प्ले करे नजर वो डिसाइड करते हैं कि वो सेतु समुद्र में जो एक प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करने वाले जहाँ पे राम सेतु को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा लेकिन उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जिस वजह से वो डिस्ट्रॉय एकदम से नहीं हो सकता उसके ऊपर एक केस हो जाता है बाद में आर्यन किस तरह से इन सभी चीज़ों को हैंडल करता है और बाद में ये सभी चीज़ें जो तथ्य है उसको कैसे साबित करेगा वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी की हुई है जहाँ पर फिल्म के आर्टिस्ट ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ फिल्म की परफॉर्मेंसेज फिल्म के डायलॉग काफ़ी अच्छे थे कलर ग्रेडिंग कलर टोन वी एफ एक्स डिसेंट था एक्टर्स की परफॉर्मेंस जहाँ पे सत्यदेव ने भी एक शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ अक्षय तो कुमार एज यूजल अपना काम निभाते हुए नज़र आते सभी ने अपना काम बखूबी निभाया होता टेक्निकल मामले में फिल्म अच्छी नज़र आ रही थी म्यूजिक थोड़ा बेटर हो सकता था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और भी बेहतर वे में क्रिएट किया जा सकता था डायरेक्टर ने इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्साइटिंग मैनर में डिरेक्ट किया हुआ है जो आपको देखने में ज़रूर पसंद आएगा रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें 25 अक्टूबर 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहां पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन के साथ साथ तमिल और तेलुगु ये दो डब्ड वर्जन में भी रिलीज किया गया था इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तब एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था जहां पे इस फिल्म ने डेढ़ सौ करोड़ के बजट के सामने करीबन सौ करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था आईएमडीबी पे फिल्म को करीबन दस हजार वोट मिले हुए जिसमें पांच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से फिल्म के जो राइट्स है ओ टी टी सेटेलाइट राइट, से, वो, से राइट से, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के बेचे गए जहाँ पे ओ टी टी राइड है वो फिल्म के अमेजन प्राइम वीडियो वालों

एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि राम सेतु फिल्म आपको अमेजोन प्राइम के ऊपर देखने को मिलेगी विध इंग्लिश सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलुगु वर्जन में इसके अलावा सैटेलाइट चैनल चैनल स्टार गोल, और स्टार गोल्ड गोल्ड और के ऊपर राम सेतु आप हिंदी वर्जन में ऑफिशियली फ्री में इंजॉय कर सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म को आप हिंदी तमिल तेलुगु वर्जन में ऑफिशियली टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर पाओगे राम सेतु जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है द ब्रिज ऑफ रामा ये एक 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन एडवेंचर फिल्म है जहाँ पे फिल्म को हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु ये दो डब्ड वर्जन में रिलीज किया गया था और इन तीन लैंग्वेजेस में फिल्म को एक साथ थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म का जो, जो जोनर है वो है एक्शन एडवेंचर इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है अभिषेक शर्मा ने फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी अभिषेक शर्मा ने ही किए हुए फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा ने जिन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउसेज जैसे कि अमेजोन स्टूडियो के पबक कोट फिल्म लाइका प्रोडक्शन और अब एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को करीबन डेढ़ करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे फिल्म की सिनेमेटोग्राफी असीम मिश्रा ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग रामेश्वरेश भगत ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे तेईस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में डेनियल बी बीजियॉर्ज का आपको बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलेगा जो सॉन्ग्स है वो भी उन्होंने ही कंपोज किए सॉरी गाने वो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के पास कंपोज करवाए लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म का वो डेनियल बी जियोज ने कंपोज किया हुआ है इसके अलावा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है स्टूडियो जिन्होंने इस फिल्म को सभी वर्जन में वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था अब हम बात करें फिल्म के कास्टिंग के ऊपर अक्षय कुमार लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में डॉक्टर आर्यन कुलक्षेत्र का रोल प्ले किया हुआ है जो एक आर्कोलॉजिस्ट है जैकलिन फर्नांडिस ने डॉक्टर चंद्र ब्रबिल्लो का रोल प्ले किया हुआ है नुसरत बरेचा आपको प्रोफेसर गायत्री कुलक्षेत्रा श्रेष्ठा का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी जो अक्षय कुमार का किरदार है आर्यन उसकी वाइफ का रोल है ये जो नुसरत भरूचा ने प्ले किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे स्टार कास्ट के ऊपर जहाँ पे सत्यदेव कांचराना अंजानियन पुष्पक उमारन के रोल में दिखाई देंगे ए के ए पी का रोल प्ले किया हुआ है अंगदराज राज को कबीर कुलरेष्ठा का रोल दिया हुआ है जो आय आर्यन और गायत्री का बेटा है जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में उनका रोल प्ले किया हुआ है शुभम जयकर देखने को मिलेंगे जेनी पर पीसी ने इस फिल्म में डॉक्टर गेब्रिल का रोल प्ले किया हुआ है नजर ने इस फिल्म में इंद्रकांत का रोल प्ले किया हुआ है प्रवेश राणा को प्रोजेक्ट मैनेजर बाली का रोल दिया गया था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की शुरुआत का जो करीबन इस फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा ने दो में ही कर दी थी जहाँ पे वो इस केस के रिगार्डिंग फिल्म बनाना चाहते थे बाद में उन्होंने इस फिल्म की कहानी अक्षय कुमार को सुनाई उनको ये पसंद आई वो इस फिल्म में एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूस करने के लिए भी तैयार हो गए थे उनके साथ अमेजॉन प्राइम वीडियो लाई का प्रोडक्शन अब उनतिया एंटरटेनमेंट बाद में जुड़े और एक अच्छे खासे प्रोडक्शन के साथ इस फिल्म को बनाया गया जहाँ पे अमेजन वालों का ये पहला बॉलीवुड का प्रोडक्शन का पहला एक मूवी था जहाँ पे ये फिल्म जो अक्षय कुमार की माँ है वो प्रोड्यूस कर रही थी जो इस फिल्म के रिलीज से पहले करीबन सितंबर 2021 में उनकी देहांत हो गई थी इसके अलावा चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ पृथ्वीराज नाम से फिल्म बनाई हुई थी सम्राट पृथ्वीराज नाम से तो वो फिल्म के वो डिरेक्टर थे और इस फिल्म में उन्होंने क्रिएटिव प्रोड्यूसर का रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है उसमें काफ़ी सारे जो इंसिडेंट है वो रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है और फिल्म में दूसरे से दूसरे अच्छे खासे फेक्ट्स भी दिखाए हुए कास्टिंग के ऊपर बातचीत करे तो मार्च 2021 से पता चला था कि जैकलिन फर्नाडिस नुसरत फरूच इस फिल्म में लीड रोल के लिए कास्ट की गई है जो कुमार के ऑपोजिट आपको देखने को मिलेगी जून 2021 में एक और अनाउंसमेंट की गई थी जहां पे बताया गया था कि तेलुगु एक्टर सत्यदेव कांचराना इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करने वाले और हिंदी सिनेमा के लिए उनका डेब्यू होने वाला है इस फिल्म की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो चौदह नवंबर दो को दिवाली के मौके के ऊपर की गई थी दिसंबर दो तक फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था अयोध्या से लेकिन बाद में जो चीज़ें कुछ जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रही जिस वजह से फिल्म की शूटिंग के शेड्यूल को चेंज करना पड़ा लोकेशन चेंज करने पड़े फिल्म का शॉट पूजा सेरेमनी है वो अठारह मार्च दो को राम जन्मभूमि अयोध्या में की गई थी उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को अलग अलग जगह पर कंप्लीट करवाया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी तीस मार्च दो से मुंबई से स्टार्ट की गई थी कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म कई बार पॉज हुई थी कई बार रिज्यूम हुई थी जहाँ पे कुछ एक्टर्स को इस फिल्म में कोविड पॉजिटिव हुआ था जिसके चलते इस फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा था उसके बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था तो लॉकडाउन के बीच में पूरी तरह से इस फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवाया गया था तो जहाँ पे इस फिल्म के साथ साथ अक्षय कुमार ने रक्षाबंधन कटपुट ली ये दो फिल्में भी की हुई थी इसके अलावा उन्होंने या, बेल बॉटम करके एक फिल्म थी जो बाहर शूट करके कंप्लीट करवाई हुई थी उसके बीच में इस फिल्म की शूटिंग भी उन्होंने कंप्लीट की हुई थी अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म में टोटल चार गाने जहाँ पे अजय अतुल विक्रम मोन्तरो से वेद शर्मा और डॉक्टर जियोज ने सभी अलग अलग आर्टिस्ट ने एक एक गानों को कंपोज किया और एक तो है वो टेफन दूसरा है जय श्री राम तीसरा है बहुत दिन बीते चौथा है ओम नमः शिवाय तो ये चार गाने जो कम्पोज किए गए हैं जिसकी लेंथ उनतीस मिनट अड़तीस सेकंड है और ये सभी गाने आपको दो यूट्यूब पे सुनने को मिलेंगे इसी म्यूज़िक कंपनी के यूट्यूब चैनल के ऊपर जिनके पास इस फिल्म के म्यूजिक ऑडियो राइट्स है तो वहाँ पे ऑडियो ऑडियो फॉर्मेट में इन गानों को आप एंजॉय कर सकते हो अब हम बात करें राम सेतु फिल्म की कहानी के ऊपर आर्यन कुलर श्रेष्ठा जिसका रोल प्ले कर रहे अक्षय कुमार जो एक रिनोन्ड आर्कोलॉजिस्ट है जहाँ पे उनको जॉइंट डायरेक्टर के तौर पे आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में प्रमोट किया जाता है जहाँ पे उन कुछ रिमार्केबल रिमार्केबल वर्क किया हुआ है जिस वजह से उनका ये एक इंक्रीमेंट हुआ है इंद्रकांत जो रोल प्ले करे नजर वो डिसाइड करते हैं कि वो सेतु समुद्र में जो एक प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करने वाले जहाँ पे राम सेतु को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा लेकिन उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती जिस वजह से वो डिस्ट्रॉय एकदम से नहीं हो सकता उसके ऊपर एक केस हो जाता है बाद में आर्यन किस तरह से इन सभी चीज़ों को हैंडल करता है और बाद में ये सभी चीज़ें जो तथ्य है उसको कैसे साबित करेगा वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी की हुई है जहाँ पर फिल्म के आर्टिस्ट ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ फिल्म की परफॉर्मेंसेज फिल्म के डायलॉग काफ़ी अच्छे थे कलर ग्रेडिंग कलर टोन वी एफ एक्स डिसेंट था एक्टर्स की परफॉर्मेंस जहाँ पे सत्यदेव ने भी शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ अक्षय तो कुमार एस यूजल अपना काम निभाते हुए नज़र आते सभी ने अपना काम बखूबी निभाया होता टेक्निकल मामले में फिल्म अच्छी नज़र आ रही थी म्यूजिक थोड़ा बेटर हो सकता था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और भी बेहतर वे में क्रिएट किया जा सकता था डायरेक्टर ने इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्साइटिंग मैनर में डिरेक्ट किया हुआ है जो आपको देखने में ज़रूर पसंद आएगा रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें पच्चीस अक्टूबर 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहां पे इस फिल्म को हिंदी वर्ज़न के साथ साथ तमिल और तेलुगु ये दो डब्ड वर्ज़न में भी रिलीज़ किया गया था इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तब एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था जहां पे इस फिल्म ने डेढ़ सौ करोड़ के बजट के सामने करीबन सौ करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था आईएमडीबी पे फिल्म को करीबन दस हजार वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से फिल्म के जो राइट्स है ओ सैटेलाइट राइट्स वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के बेचे गए जहाँ पे ओ राइट्स है वो फिल्म के अमेजन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए वहीं पर सेटेलाइट राइट्स स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए और आराम से तो फिल्म आपको हिंदी तमिल तेलुगू ये तो तीन वर्जन है जहाँ पे हिंदी मेन वर्जन है तमिल तेलुगु डब्ड वर्जन ये सभी वर्जन में ओ टी टी प्लेटफॉर्म यानी कि अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ देखने को मिल जाएगी वहीं पे इस फिल्म को आप हिंदी वर्जन में स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर सकते हो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि राम सेतु फिल्म आपको एमेजोन प्राइम विडियो के ऊपर देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सब टाइटल हिंदी तमिल तेलगू वर्जन में इसके अलावा सैटेलाइट चैनल स्टार गोल और स्टार गोल्ड गोल्ड और चैनल के ऊपर राम सेतु फिल्म आप हिंदी वर्जन में ऑफिशियली फ्री में इंजॉय कर सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म को आप हिंदी तमिल तेलुगु वर्जन में ऑफिशियली ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर पाओगे राम सेतु जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है द ब्रिज ऑफ रामा ये एक 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन एडवेंचर फिल्म है जहाँ पे फिल्म को हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु ये दो डब्ड वर्जन में रिलीज किया गया था और इन तीन लैंग्वेजेस में फिल्म को एक साथ थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म का जो जोनर है वो है एक्शन एडवेंचर इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है अभिषेक शर्मा ने फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी अभिषेक शर्मा ने ही किए हुए है फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा ने जिन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउसेस जैसे कि अमेजोन स्टूडियो के पॉपकोर्ट फिल्म लाइका प्रोडक्शन और अबुनतनिया एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को करीबन डेढ़ करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे फिल्म की सिनेमेटोग्राफी असीम मिश्रा ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग रामेश्वरेश भगत ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे तेईस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में डेनियल बी जियोज का आपको बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलेगा जो सॉन्ग्स है वो भी उन्होंने ही कंपोज किए सॉरी गाने वो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के पास कंपोज करवाए लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म का वो डेनियल बी जी ने कंपोज किया हुआ है इसके अलावा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है जी स्टूडियो जिन्होंने इस फिल्म को सभी वजन में वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था अब हम बात करें फिल्म के कास्टिंग के ऊपर अक्षय कुमार लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में डॉक्टर आर्यन कुलक्षेत्र का रोल प्ले किया हुआ है जो एक आर्कियोलॉजिस्ट है जैकलिन फर्नांडिस ने डॉक्टर संद्रा ब्रबिल्लो का रोल प्ले किया हुआ है नुसरत बरेजा आपको प्रोफेसर गायत्री कुलक्षेत्र श्रेष्ठा का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी जो अक्षय कुमार का किरदार है आर्यन उसकी वाइफ का रोल है ये जो नुसरत भरूचा ने प्ले किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे स्टार कास्ट के ऊपर जहाँ पे सत्यदेव कांचराना अंजानियन पुष्पक उमारन के रोल में दिखाई देंगे ए के ए पी का रोल प्ले किया हुआ है अंगद राज को कबीर कुलरेष्ठा का रोल दिया हुआ है जो आर्यन और गायत्री का बेटा है जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में उनका रोल प्ले किया हुआ है शुभम जयकर देखने को मिलेंगे जेनी पर पी ने इस फिल्म में डॉक्टर गेब्रिल का रोल प्ले किया हुआ है नजर ने इस फिल्म में इंद्रकांत का रोल प्ले किया हुआ है प्रवेश राणा को प्रोजेक्ट मैनेजर बाली का रोल दिया गया था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की शुरुआत का जो करीबन इस फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा ने दो में ही कर दी थी जहाँ पे वो इस केस के रिगार्डिंग फिल्म बनाना चाहते थे बाद में उन्होंने इस फिल्म की कहानी अक्षय कुमार को सुनाई उनको ये पसंद आई वो इस फिल्म में एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूस करने के लिए भी तैयार हो गए थे उनके साथ अमेजॉन प्राइम वीडियो लाई का प्रोडक्शन अब एंटरटेनमेंट बाद में जुड़े और एक अच्छे खासे प्रोडक्शन के साथ इस फिल्म को बनाया गया जहाँ पे अमेजॉन वालों का ये पहला बॉलीव का प्रोडक्शन का पहला एक मूवी था जहाँ पे ये फिल्म जो अक्षय कुमार की माँ है वो प्रोड्यूस कर रही थी जो इस फिल्म के रिलीज से पहले करीबन सितंबर 2021 में उनकी देहांत हो गई थी इसके अलावा चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ पृथ्वीराज नाम से फिल्म बनाई हुई थी सम्राट पृथ्वीराज नाम से तो वो फिल्म के वो डायरेक्टर थे और इस फिल्म में उन्होंने क्रिएटिव प्रोड्यूसर का रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है उसमें काफ़ी सारे जो इंसिडेंट है वो रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है और फिल्म में दूसरे कोई से दूसरे अच्छे खासे फेक्ट्स भी दिखाए हुए कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो मार्च दो से पता चला था कि जैकलिन फर्नाडिस नुसरत फरूचा इस फिल्म में लीड रोल के लिए कास्ट की गई है जो अक्षय कुमार के अपोजिट आपको देखने को मिलेगी जून 2021 में एक और अनाउंसमेंट की गई थी जहां पे बताया गया था कि तेलुगु एक्टर सत्यदेव कांचराना इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करने वाले और हिंदी सिनेमा के लिए उनका डेब्यू होने वाला है इस फिल्म की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो चौदह नवंबर 2020 को दिवाली के मौके के ऊपर की गई थी दिसंबर 2020 तक फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था अयोध्या से लेकिन बाद में जो चीजें कुछ जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रही जिस वजह से फिल्म की शूटिंग के शेड्यूल को चेंज करना पड़ा लोकेशन चेंज करने पड़े फिल्म का मोहरस और पूजा सेरेमनी है वो अट्ठारह मार्च दो हज़ार इक्कीस को राम जन्मभूमि अयोध्या में की गई थी उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को अलग अलग जगह पर कंप्लीट करवाया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी तीस मार्च दो से मुंबई से स्टार्ट की गई थी कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म कई बार पॉज हुई थी कई बार रिज्यूम हुई थी जहाँ पर कुछ एक्टर्स को इस फिल्म में कोविड पॉजिटिव हुआ था जिसके चलते इस फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा था उसके बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था तो लॉकडाउन के बीच में पूरी तरह से इस फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवाया गया था तो जहाँ पर इस फिल्म के साथ साथ अक्षय कुमार ने रक्षाबंधन कटपुटली ये दो फिल्में भी की हुई थी इसके अलावा उन्होंने बेल बॉटम करके एक फिल्म थी जो बाहर शूट करके कंप्लीट करवाई हुई थी उसके बीच में इस फिल्म की शूटिंग भी उन्होंने कंप्लीट की हुई थी अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म में टोटल चार गाने जहाँ पे अजय अतुल विक्रम मोन्तर से वेद शर्मा और डॉक्टर जियोज ने सभी अलग अलग आर्टिस्ट ने एक एक गानों को कंपोज किया और एक तो है वो टेफन दूसरा है जय श्री राम तीसरा है बहुत दिन बीते चौथा है ओम नमस् शिवाय तो ये चार गाने जो कंपोज किए गए हैं जिसकी लेंथ उनतीस मिनट अड़तीस सेकंड है और ये सभी गाने आपको दो यूट्यूब पे सुनने को मिलेंगे इसी म्यूजिक कंपनी के यूट्यूब चैनल के ऊपर जिनके पास इस फिल्म के म्यूजिक ऑडियो राइट्स है तो वहाँ पे ऑडियो ऑडियो

सेतु समुद्र में जो एक प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करने वाले जहाँ पे राम सेतु को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा लेकिन उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जिस वजह से वो डिस्ट्रॉय एकदम से नहीं हो सकता उसके ऊपर एक केस हो जाता है बाद में आर्यन किस तरह से इन सभी चीज़ों को हैंडल करता है और बाद में ये सभी चीज़ें जो तथ्य है उसको कैसे साबित करेगा वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी की हुई है जहाँ पर फिल्म के आर्टिस्ट ने काफ़ी बढ़िया काम किया है फिल्म की परफॉर्मेंसेज फिल्म के डायलॉग काफ़ी अच्छे थे कलर ग्रेडिंग कलर टोन वी एफ डिसेंट था एक्टर्स की परफॉर्मेंस जहाँ पे सत्यदेव ने भी एक शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ अक्षय कुमार एज यूजल अपना काम निभाते हुए नजर आते हैं सभी ने अपना काम बखूबी निभाया होता टेक्निकल मामले में फिल्म अच्छी नज़र आ रही थी म्यूजिक थोड़ा बेटर हो सकता था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और भी बेहतर वे में क्रिएट किया जा सकता था डायरेक्टर ने इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्साइटिंग मैनर में डिरेक्ट किया हुआ है जो आपको देखने में ज़रूर पसंद आएगा रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें पच्चीस अक्टूबर 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहां पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन के साथ साथ तमिल और तेलुगु ये दो डब्ड वर्जन में भी रिलीज़ किया गया था इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था जहां पे इस फिल्म ने डेढ़ सौ करोड़ के बजट के सामने करीबन सौ करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था आई पे फिल्म को करीबन दस हज़ार वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से फिल्म के जो राइट्स है ओ टी टी सेटेलाइट से राइट्स से वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के बेचे गए जहाँ पे ओ राइट्स है वो फिल्म के अमेज़न प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए वहीं पे सेटेलाइट राइट्स स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए फोराम से तो फिल्म आपको हिंदी तमिल तेलुगु ये तो तीन वर्जन है जहाँ पे हिंदी मेन वर्जन है तमिल तेलुगु डब्ड वर्जन है सभी वर्जन में ओ टी टी प्लेटफॉर्म यानी कि अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन देखने को मिल जाएगी वहीं पे इस फिल्म को आप हिंदी वर्जन में स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर सकते हो

ये एक 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन एडवेंचर फिल्म है जहाँ पे फिल्म को हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु ये दो डब्ड वर्जन में रिलीज किया गया था और इन तीन लैंग्वेज में फिल्म को एक साथ थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म का जो, जो जोनर है वो है एक्शन एडवेंचर इस फिल्म को डायरेक्ट किया, किया हुआ है अभिषेक शर्मा ने फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी अभिषेक शर्मा ने ही किए हुए फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा ने जिन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउसेज जैसे कि अमेजन स्टूडियो के पॉपकोट फिल्म लाइका प्रोडक्शन और अबुंतनिया एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को करीबन डेढ़ सौ करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे फिल्म की सिनेमेटोग्राफी असीम मिश्रा ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग रामेश्वरेश भगत ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे तेईस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में डेनियल बी जियोर्ज का आपको बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलेगा जो सॉन्ग्स है वो भी उन्होंने ही कंपोज किया सॉरी गाने वो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के पास कंपोज करवाए लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म का वो डैनियल बी जियोज ने कंपोज किया हुआ है इसके अलावा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं ये स्टूडियो जिन्होंने इस फिल्म को सभी में वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था अब हम बात करें फिल्म के कास्टिंग के ऊपर अक्षय कुमार लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में डॉक्टर आर्यन कुलक्षेत्र का रोल प्ले किया हुआ है जो एक आर्कोलॉजिस्ट है जैकलिन फर्नांडिस ने डॉक्टर संद्रा ब्रबिल्लो का रोल प्ले किया हुआ है नुसरत बरेजा आपको प्रोफेसर गायत्री कुलक्षेत्रा श्रेष्ठा का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी जो अक्षय कुमार का किरदार है आर्यन उसकी वाइफ का रोल है ये जो नुसरत भरूचा ने प्ले किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे स्टार कास्ट के ऊपर जहाँ पे सत्यदेव कांचराना अंजानियन पुष्पक उमारन के रोल में दिखाई देंगे ए के ए पी का रोल प्ले किया हुआ है अंगत राज को कबीर कुलरेष्ठा का रोल दिया हुआ है जो आय आर्यन और गायत्री का बेटा है जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में उनका रोल प्ले किया हुआ है शुभम जयकर देखने को मिलेंगे जेनी पी सी ने इस फिल्म में डॉक्टर गेब्रिल का रोल प्ले किया हुआ है नजर ने इस फिल्म में इंद्रकांत का रोल प्ले किया हुआ है प्रवेश राणा को प्रोजेक्ट मैनेजर बाली का रोल दिया गया था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की शुरुआत का जो करीबन इस फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा ने दो हज़ार सात में ही कर दी थी जहाँ पे वो इस केस के रिगार्डिंग फिल्म बनाना चाहते थे बाद में उन्होंने इस फिल्म की कहानी अक्षय कुमार को सुनाई उनको ये पसंद आई वो इस फिल्म में एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूस करने के लिए भी तैयार हो गए थे उनके साथ अमेजॉन प्राइम वीडियो लाई का प्रोडक्शन अब उन एंटरटेनमेंट बाद में जुड़े और एक अच्छे खासे प्रोडक्शन के साथ इस फिल्म को बनाया गया जहाँ पर अमेजन वालों का ये पहला बॉलीवुड का प्रोडक्शन का पहला एक मूवी था जहाँ पे ये फिल्म जो अक्षय कुमार की माँ है वो प्रोड्यूस कर रही थी जो इस फिल्म के रिलीज से पहले करीबन सितंबर 2021 में उनकी देहांत हो गई थी इसके अलावा चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ पृथ्वीराज नाम से फिल्म बनाई हुई थी सम्राट पृथ्वीराज नाम से तो वो फिल्म के वो डायरेक्टर थे और इस फिल्म में उन्होंने क्रिएटिव प्रोड्यूसर का रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है उसमें काफ़ी सारे जो इंसिडेंट है वो रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है और फिल्म में दूसरे को से दूसरे अच्छे खासे फेक्ट्स भी दिखाए हुए कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो मार्च दो से पता चला था कि जैकलिन फर्नांडिस नुसरत फरोजा इस फिल्म में लीड रोल के लिए कास्ट की गई है जो कुमार के ऑपोजिट आपको देखने को मिलेगी जून 2021 में एक और अनाउंसमेंट की गई थी जहां पे बताया गया था कि तेलुगु एक्टर सत्यदेव कांचराना इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करने वाले और हिंदी सिनेमा के लिए उनका डेब्यू होने वाला है इस फिल्म की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो चौदह नवंबर दो को दिवाली के मौके के ऊपर की गई थी दिसंबर दो तक फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था अयोध्या से लेकिन बाद में जो चीज़ें कुछ जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रही जिस वजह से फिल्म की शूटिंग के शेड्यूल को चेंज करना पड़ा लोकेशन चेंज करने पड़े फिल्म का मोरस शॉट पूजा सेरेमनी है वो अट्ठारह मार्च दो को राम जन्मभूमि टेंकू टेम्पल अयोध्या में की गई थी उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को अलग अलग जगह पर कंप्लीट करवाया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी तीस मार्च दो से मुंबई से स्टार्ट की गई थी कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म कई बार पॉज हुई थी कई बार रिज्यूम हुई थी जहाँ पर कुछ एक्टर्स को इस फिल्म में कोविड पॉजिटिव हुआ था जिसके चलते इस फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा था उसके बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था तो लॉकडाउन के बीच में पूरी तरह से इस फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था तो जहाँ पे इस फिल्म के साथ साथ अक्षय कुमार ने रक्षाबंधन कटपुटली ये दो फिल्में भी की हुई थी इसके अलावा उन्होंने बेल बॉटम करके एक फिल्म थी जो बाहर शूट करके कंप्लीट करवाई हुई थी उसके बीच में इस फिल्म की शूटिंग भी उन्होंने कंप्लीट की हुई थी अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म में टोटल चार गाने जहाँ पे अजय अतुल विक्रम मोन्तरो से वेद शर्मा और डॉक्टर जियोज ने सभी अलग अलग आर्टिस्ट ने एक एक गानों को कंपोज किया और एक तो है वो टेफन दूसरा है जय श्री राम तीसरा है बहुत दिन बीते चौथा है ओम नमस् शिवाय तो ये चार गाने जो कंपोज किए गए हैं जिसकी लेंथ उनतीस मिनट अड़तीस सेकंड है और ये सभी गाने आपको दो यूट्यूब पे सुनने को मिलेंगे इसी म्यूजिक कंपनी के यूटूब चैनल के ऊपर जिनके पास इस फिल्म के म्यूजिक ऑडियो राइट्स है तो वहाँ पे ऑडियो ऑडियो फॉर्मेट में इन गानों काफ़ी इंजॉय कर सकते हो अब हम बात करें राम सेतु फिल्म की कहानी के ऊपर आर्यन कुलर श्रेष्ठा जिसका रोल प्ले कर रहे अक्षय कुमार जो एक रिनोड आर्कोलॉजिस्ट है जहाँ पे उनको जॉइंट डायरेक्टर के तौर पे आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में प्रमोट किया जाता है जहाँ पे उन कुछ रिमार्केबल रिमार्केबल वर्क किया हुआ है जिस वजह से उनका ये एक इंक्रीमेंट हुआ है इंद्रकांत जो रोल प्ले करे नजर वो डिसाइड करते हैं कि वो सेतु समुद्र में जो एक प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करने वाले जहाँ पे राम सेतु को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा लेकिन उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जिस वजह से वो डिस्ट्रॉय एकदम से नहीं हो सकता उसके ऊपर एक केस हो जाता है बाद में आर्यन किस तरह से इन सभी चीज़ों को हैंडल करता है और बाद में ये सभी चीज़ें जो तथ्य है उसको कैसे साबित करेगा वही सब चीज़ों फिल्म की कहानी की हुई है जहाँ पर फिल्म के आर्टिस्ट ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है फिल्म की परफॉर्मेंसेज फिल्म के डायलॉग काफ़ी अच्छे थे कलर ग्रेडिंग कलर टोन वी एफ एक्स डिसेंट था एक्टर्स की परफॉर्मेंस जहाँ पे सत्यदेव ने भी एक शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ अक्षय कुमार एज यूजल अपना काम निभाते हुए नज़र आते सभी ने अपना काम बखूबी निभाया होता टेक्निकल मामले में फिल्म अच्छी नज़र आ रही थी म्यूजिक थोड़ा बेटर हो सकता था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और भी बेहतर वे में क्रिएट किया जा सकता था डायरेक्टर ने इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्साइटिंग मैनर में डिरेक्ट किया हुआ है जो आपको देखने में ज़रूर पसंद आएगा रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें पच्चीस अक्टूबर 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहां पर इस फिल्म को हिंदी वर्ज़न के साथ साथ तमिल और तेलुगु ये दो डब्ड वर्ज़न में भी रिलीज़ किया गया था इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था जहां पे इस फिल्म ने डेढ़ सौ करोड़ के बजट के सामने करीबन सौ करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था आईएमडीबी पे फिल्म को करीबन दस हजार वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से फिल्म के जो राइट्स है ओ टी टी सेटेलाइट से राइट्स से, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के बेचे गए जहाँ पे ओ टी टी राइड्स है वो फिल्म के अमेजन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए वहीं पे सेटेलाइट राइट्स स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए और आम से तो फिल्म आपको हिंदी तमिल तेलुगू ये तो तीन वर्जन है जहाँ पे हिंदी मेन वर्जन है तमिल तेलुगु डब्ड वर्ज़न है सभी वर्जन में ओ टी प्लेटफॉर्म यानी कि अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ देखने को मिल जाएगी वहीं पे इस फिल्म को आप हिंदी वर्जन में स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर सकते हो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि राम सेतु फिल्म आपको अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलगू वर्जन में इसके अलावा सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर राम सेतु फिल्म आप हिंदी वर्जन में ऑफिशियली फ्री में इंजॉय कर सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म को आप हिंदी तमिल तेलुगू वर्जन में ऑफिशियली ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर पाओगे राम सेतु जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है द ब्रिज ऑफ रामा ये एक 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन एडवेंचर फिल्म है जहाँ पे फिल्म को हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु ये दो डब्ड वर्जन में रिलीज किया गया था और इन तीन लैंग्वेजेज़ में फिल्म को एक साथ थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म का जो, जो जोनर है वो है एक्शन एडवेंचर इस फिल्म को डायरेक्ट किया, किया हुआ है अभिषेक शर्मा ने फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी अभिषेक शर्मा ने ही किए हुए हैं फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा ने जिन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउसेस जैसे कि अमेजोन स्टूडियो के पपक कोर्ट फिल्म लाइका प्रोडक्शन और अबुनतनिया एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को करीबन डेढ़ करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है जहां पे फिल्म की सिनेमेटोग्राफी असीम मिश्रा ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग रामेश्वरेश भगत ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे तेईस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में डेनियल बी जियोज का आपको बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलेगा जो सॉन्ग्स है वो भी उन्होंने ही कंपोज किए सॉरी गाने वो अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर के पास कंपोज करवाए लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म का वो डेनियल बी जीज ने कंपोज किया हुआ है इसके अलावा फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है जी स्टूडियो जिन्होंने इस फिल्म को सभी वजन में वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था अब हम बात करें फिल्म के कास्टिंग के ऊपर अक्षय कुमार लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में डॉक्टर आर्यन कुलक्षेत्र का रोल प्ले किया हुआ है जो एक आर्कोलॉजिस्ट है जैकलिन फर्नांडिस ने डॉक्टर संद्रा ब्रब्बिल्लो का रोल प्ले किया हुआ है नुसरत भरेचा आपको प्रोफेसर गायत्री कुलक्षेत्रा श्रेष्ठा का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी जो अक्षय कुमार का किरदार है आर्यन उसकी वाइफ का रोल है ये जो नुसरत भरूचा ने प्ले किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे स्टार कास्ट के ऊपर जहाँ पे सत्यदेव कांचराना अंजानियन पुष्पक उमारन के रोल में दिखाई देंगे ए के ए पी का रोल प्ले किया हुआ है अंगद राज को कबीर कुलरेष्ठा का रोल दिया हुआ है जो आय आर्यन और गायत्री का बेटा है जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में उनका रोल प्ले किया हुआ है शुभम जयकर देखने को मिलेंगे जेनी पर सिंटो ने इस फिल्म में डॉक्टर गेब्रिल का रोल प्ले किया हुआ है नजर ने इस फिल्म में इंद्रकांत का रोल प्ले किया हुआ है प्रवेश राणा को प्रोजेक्ट मैनेजर बाली का रोल दिया गया था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की शुरुआत का जो करीबन इस फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा ने दो में ही कर दी थी जहाँ पे वो इस केस के रिगार्डिंग फिल्म बनाना चाहते थे बाद में उन्होंने इस फिल्म की कहानी अक्षय कुमार को सुनाई उनको ये पसंद आई वो इस फिल्म में एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूस करने के लिए भी तैयार हो गए थे उनके साथ अमेजॉन प्राइम वीडियो लाई का प्रोडक्शन अभुन्तिया एंटरटेनमेंट बाद में जुड़े और एक अच्छे खासे प्रोडक्शन के साथ इस फिल्म को बनाया गया जहाँ पे अमेजॉन वालों का ये पहला बोली का प्रोडक्शन का पहला एक मूवी था जहाँ पे ये फिल्म जो अक्षय कुमार की माँ है वो प्रोड्यूस कर रही थी जो इस फिल्म के रिलीज से पहले करीबन सितंबर 2021 में उनकी देहांत हो गई थी इसके अलावा चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ पृथ्वीराज नाम से फिल्म बनाई हुई थी सम्राट पृथ्वीराज नाम से तो वो फिल्म के वो डायरेक्टर थे और इस फिल्म में उन्होंने क्रिएटिव प्रोड्यूसर का रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है उसमें काफी सारे जो इंसिडेंट है वो रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है और फिल्म में दूसरे को दूसरे अच्छे खासे फेक्ट्स भी दिखाए हुए कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो मार्च दो से पता चला था कि जैकलिन फर्नाडिस नुसरत फरूचा इस फिल्म में लीड रोल के लिए कास्ट की गई है जो अक्षय कुमार के ऑपोजिट आपको देखने को मिलेगी जून दो में एक और अनाउंसमेंट की गई थी जहाँ पे बताया गया था कि तेलुगु एक्टर सत्यदेव कांचराना इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करने वाले और हिंदी सिनेमा के लिए उनका डेब्यू होने वाला है इस फिल्म की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो चौदह नवंबर 2020 को दिवाली के मौके के ऊपर की गई थी दिसंबर 2020 तक फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था अयोध्या से लेकिन बाद में जो चीज़ें कुछ जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रही जिस वजह से फिल्म की शूटिंग के शेड्यूल को चेंज करना पड़ा लोकेशन चेंज करने पड़े फिल्म का मोहर शॉट पूजा सेरेमनी है वो अट्ठारह मार्च दो को राम जन्मभूमि टेंकू टेम्पल अयोध्या में की गई थी उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को अलग अलग जगह पर कंप्लीट करवाया गया था प्रिंसिपल ऑफ़ फोटोग्राफी तीस मार्च दो हज़ार इक्कीस से मुंबई से स्टार्ट की गई थी कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म कई बार पॉज हुई थी कई बार रिज्यूम हुई थी जहाँ पर कुछ एक्टर्स को इस फिल्म में कोविड पॉजिटिव हुआ था जिसके चलते इस फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा था उसके बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था तो लॉकडाउन के बीच में पूरी तरह से इस फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था जहां पे इस फिल्म के साथ साथ अक्षय कुमार ने रक्षाबंधन कटपुट ये दो फिल्में भी की हुई थी इसके अलावा उन्होंने या, बेल बॉटम करके एक फिल्म थी जो बाहर शूट करके कंप्लीट करवाई हुई थी उसके बीच में इस फिल्म की शूटिंग भी उन्होंने कंप्लीट की हुई थी अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म में टोटल चार गाने जहाँ पे अजय अतुल विक्रम मोन्तर से वेद शर्मा और डॉक्टर जियज ने सभी अलग अलग आर्टिस्ट ने एक एक गानों को कंपोज किया और एक तो है वो टेफन दूसरा है जय श्री राम तीसरा है बहुत दिन बीते चौथा है ओम नमः शिवाय तो ये चार गाने जो कम्पोज किए गए जिसकी लेंथ उनतीस मिनट अड़तीस सेकंड है और ये सभी गाने आपको दो यूट्यूब पेज सुनने को मिलेंगे इसी म्यूज़िक कंपनी के यूट्यूब चैनल के ऊपर जिनके पास इस फिल्म के म्यूजिक ऑडियो राइट्स है तो वहाँ पे ऑडियो ऑडियो फॉर्मेट में इन गानों को आप एंजॉय कर सकते हो अब हम बात करें राम सेतु फिल्म की कहानी के ऊपर आर्यन कुलर श्रेष्ठा जिसका रोल प्ले रहे अक्षय कुमार जो एक रिनोम्ड आर्कोलॉजिस्ट है जहाँ पे उनको जॉइंट डायरेक्टर के तौर पे आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में प्रमोट किया जाता है जहाँ पे उन्होंने कुछ रिमार्केबल रिमार्केबल वर्क किया हुआ है जिस वजह से उनका ये एक इंक्रीमेंट हुआ है इंद्रकांत जो रोल प्ले करे नजर वो डिसाइड करते हैं कि वो सेतु समुद्र में जो एक प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करने वाले जहाँ पे राम सेतु को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा लेकिन उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जिस वजह से वो डिस्ट्रॉय एकदम से नहीं हो सकता उसके ऊपर एक केस हो जाता है बाद में आर्यन किस तरह से इन सभी चीज़ों को हैंडल करता है और बाद में ये सभी चीज़ें जो तथ्य है उसको कैसे साबित करेगा वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी की हुई है जहाँ पर फिल्म के आर्टिस्ट ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ फिल्म की परफॉर्मेंसेज फिल्म के डायलॉग काफ़ी अच्छे थे कलर ग्रेडिंग कलर टोन वी एफ डिसेंट था एक्टर्स की परफॉर्मेंस जहाँ पे सत्यदेव ने बेक शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ अक्षय कुमार एज यूजल अपना काम निभाते हुए नज़र आते सभी ने अपना काम बखूबी निभाया होता टेक्निकल मामले में फिल्म अच्छी नज़र आ रही थी म्यूजिक थोड़ा बेटर हो सकता था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और भी बेहतर वे में क्रिएट किया जा सकता था डायरेक्टर ने इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्साइटिंग मैनर में डिरेक्ट किया हुआ है जो आपको देखने में ज़रूर पसंद आएगा रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें पच्चीस अक्टूबर 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहां पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन के साथ साथ तमिल और तेलुगु ये दो डब्ड वर्जन में भी रिलीज किया गया था इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तब एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था जहां पे इस फिल्म ने डेढ़ सौ करोड़ के बजट के सामने करीबन सौ करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था आई पे फिल्म को करीबन दस हजार वोट मिले हुए जिसमें पांच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से फिल्म के जो राइट्स है ओ टी राइट्स वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के बेचे गए जहाँ पे ओ राइट्स है वो फिल्म के अमेजोन प्राइम वीडियो वालों

एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि राम सेतु फिल्म आपको अमेजोन प्राइम के ऊपर देखने को मिलेगी विध वर्जन में इसके अलावा में, में कर सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म को आप हिंदी तमिल तेलुगु वर्जन में ऑफिशियली ओ और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर पाओगे राम जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है द ब्रिज ऑफ रामा ये एक 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन एडवेंचर फिल्म है जहाँ पे फिल्म को हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु ये दो डब्ड वर्जन में रिलीज किया गया था और इन तीन लैंग्वेजेस में फिल्म को एक साथ थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म का जो, जो जोनर है वो है एक्शन एडवेंचर इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है अभिषेक शर्मा ने फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी अभिषेक शर्मा ने ही किए हुए फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा ने जिन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउसेस जैसे कि अमेजोन स्टूडियो के पपक कोट फिल्म लाइका प्रोडक्शन और अबुंतनया एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को करीबन डेढ़ करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे फिल्म की सिनेमेटोग्राफी असीम मिश्रा ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग रामेश्वरेश भगत ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे तेईस मिनट का रन टाइम दिया हुआ हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में डेनियल बी जियो का आपको बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलेगा जो सॉन्ग्स है वो भी उन्होंने ही कंपोज किए सॉरी गाने वो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के पास कंपोज करवाए लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म का वो डेनियल बीजियज ने कंपोज किया हुआ है इसके अलावा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है जी स्टूडियो जिन्होंने इस फिल्म को सभी वर्जन में वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था अब हम बात करें फिल्म के कास्टिंग के ऊपर अक्षय कुमार लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में डॉक्टर आर्यन कुलक्षेत्र का रोल प्ले किया हुआ है जो एक आर्कोलॉजिस्ट है जैकलिन फर्नांडिस ने डॉक्टर संद्रा ब्रबिल्लो का रोल प्ले किया हुआ है नुसरत बरेचा आपको प्रोफेसर गायत्री कुलक्षेत्रा शेरिष्टा का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी जो अक्षय कुमार का किरदार है आर्यन उसकी वाइफ का रोल है ये जो नुसरत भरूचा ने प्ले किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे स्टार कास्ट के ऊपर जहाँ पे सत्यदेव कांचराना अंजानियन पुष्पक उमारन के रोल में दिखाई देंगे ए के ए पी का रोल प्ले किया हुआ है अंगद राज को कबीर कुलरेष्ठा का रोल दिया हुआ है जो आय आर्यन और गायत्री का बेटा है जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में उनका रोल प्ले किया हुआ है शुभम जयकर देखने को मिलेंगे जेनी पर पी ने इस फिल्म में डॉक्टर गेब्रिल का रोल प्ले किया हुआ है नजर ने इस फिल्म में इंद्रकांत का रोल प्ले किया हुआ है प्रवेश राणा को प्रोजेक्ट मैनेजर बाली का रोल दिया गया था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की शुरुआत का जो करीबन इस फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा ने में ही कर दी थी जहाँ पे वो इस केस के रिगार्डिंग फिल्म बनाना चाहते थे बाद में उन्होंने इस फिल्म की कहानी अक्षय कुमार को सुनाई उनको ये पसंद आई वो इस फिल्म में एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूस करने के लिए भी तैयार हो गए थे उनके साथ अमेज़न प्राइम वीडियो लाई का प्रोडक्शन अब एंटरटेनमेंट बाद में जुड़े और एक अच्छे खासे प्रोडक्शन के साथ इस फिल्म को बनाया गया जहाँ पे अमेजन वालों का ये पहला बॉलीवुड का प्रोडक्शन का पहला एक मूवी था जहाँ पे ये फिल्म जो अक्षय कुमार की माँ है वो प्रोड्यूस कर रही थी जो इस फिल्म के रिलीज से पहले करीबन सितंबर 2021 में उनकी देहांत हो गई थी इसके अलावा चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ पृथ्वीराज नाम से फिल्म बनाई हुई थी सम्राट पृथ्वीराज नाम से तो वो फिल्म के वो डिरेक्टर थे और इस फिल्म में उन्होंने क्रिएटिव प्रोड्यूसर का रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है उसमें काफ़ी सारे जो इंसिडेंट है वो रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है और फिल्म में दूसरे कोई से दूसरे अच्छे खासे फेक्ट्स भी दिखाए हुए कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो मार्च दो से पता चला था कि जैकलिन फर्नाडिस नुसरत फरूचा इस फिल्म में लीड रोल के लिए आ, कास्ट की गई है जो अक्षय कुमार के अपोजिट आपको देखने को मिलेगी जून 2021 में एक और अनाउंसमेंट की गई थी जहाँ पे बताया गया था कि तेलुगु एक्टर सत्यदेव कांतराना इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करने वाले और हिंदी सिनेमा के लिए उनका डेब्यू होने वाला है इस फिल्म की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो चौदह नवंबर दो को दिवाली के मौके के ऊपर की गई थी दिसंबर 2020 तक फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था अयोध्या से लेकिन बाद में जो चीजें कुछ जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से से नहीं हो पा रही वजह फिल्म की शूटिंग के शेड्यूल लोकेशन चेंज करना पड़ा। करने पड़े फिल्म का पूजा सेरेमनी है वो अट्ठारह मार्च दो को राम जन्मभूमि टेंकू टेम्पल अयोध्या में की गई थी उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को अलग अलग जगह पर कंप्लीट करवाया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी तीस मार्च दो से मुंबई से स्टार्ट की गई थी कोविड 19 की वजह से फिर फिल्म कई बार पॉज हुई थी कई बार रिज्यूम हुई थी जहाँ पे कुछ एक्टर्स को इस फिल्म में कोविड पॉजिटिव हुआ था जिसके चलते इस फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा था उसके बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था तो लॉकडाउन के बीच में पूरी तरह से इस फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवाया गया था जहाँ पर इस फिल्म के साथ साथ अक्षय कुमार ने रक्षाबंधन कटपुटली ये दो फिल्में भी की हुई थी इसके अलावा उन्होंने या, बेल बॉटम करके एक फिल्म थी जो बाहर शूट करके कंप्लीट करवाई हुई थी उसके बीच में इस फिल्म की शूटिंग भी उन्होंने कंप्लीट किए हुई थी अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म में टोटल चार गाने जहाँ पे अजय अतुल विक्रम मोहतर से वेद शर्मा और डॉक्टर ज्यूज ने सभी अलग अलग आर्टिस्ट ने एक एक गानों को कम्पोज़ किया हुआ एक तो फन, है वो टे फन दूसरा है जय श्री राम तीसरा है बहुत दिन बीते चौथा है ओम नमस् शिवाय तो ये चार गाने जो कम्पोज किए गए जिसकी लेंथ उनतीस मिनट अड़तीस सेकंड है और ये सभी गाने आपको दो यूट्यूब पे सुनने को मिलेंगे इसी म्यूजिक कंपनी के यूट्यूब चैनल के ऊपर जिनके पास इस फिल्म के म्यूज़िक ऑडियो राइट्स है तो वहाँ पे ऑडियो ऑडियो फॉर्मेट में इन गानों को आप इंजॉय कर सकते हो अब हम बात करें राम सेतु फिल्म की कहानी के ऊपर आर्यन कुलर श्रेष्ठा जिसका रोल प्ले करे अक्षय कुमार जो एक रिनोम्ड आर्कोलॉजिस्ट है जहाँ पे उनको ज्वाइंट डायरेक्टर के तौर पे आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में प्रमोट किया जाता है जहाँ पे उन्होंने कुछ रिमार्केबल रिमार्केबल वर्क किया हुआ है जिस वजह से उनका ये एक इंक्रीमेंट हुआ है इंद्रकांत जो रोल प्ले करे नजर वो डिसाइड करते हैं कि वो सेतु समुद्र में जो एक प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करने वाले जहाँ पे राम सेतु को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा लेकिन उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जिस वजह से वो डिस्ट्रॉय एकदम से नहीं हो सकता उसके ऊपर एक केस हो जाता है बाद में आर्यन किस तरह से इन सभी चीज़ों को हैंडल करता है और बाद में ये सभी चीज़ें जो तथ्य है उसको कैसे साबित करेगा वही सब चीज़ों फिल्म की कहानी की हुई है जहाँ पर फिल्म के आर्टिस्ट ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ फिल्म की परफॉर्मेंसेज फिल्म के डायलॉग काफ़ी अच्छे थे कलर ग्रेडिंग कलर टोन वी एफ एक्स डिसेंट था एक्टर्स की परफॉर्मेंस जहाँ पे सत्यदेव ने भी एक शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ अक्षय कुमार एज यूजल अपना काम निभाते हुए नज़र आते सभी ने अपना काम बखूबी निभाया होता टेक्निकल मामले में फिल्म अच्छी नज़र आ रही थी म्यूजिक थोड़ा बेटर हो सकता था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और भी बेहतर वे में क्रिएट किया जा सकता था डायरेक्टर ने इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्साइटिंग मैनर में डिरेक्ट किया हुआ है जो आपको देखने में ज़रूर पसंद आएगा रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें पच्चीस अक्टूबर 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहां पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन के साथ साथ तमिल और तेलुगु ये दो डब्ड वर्जन में भी रिलीज़ किया गया था इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था जहां पे इस फिल्म ने डेढ़ सौ करोड़ के बजट के सामने करीबन सौ करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था आईएमडीबी पे फिल्म को करीबन दस हज़ार वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से फिल्म के जो राइट्स है ओ टी टी सेटेलाइट से राइट्स से वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के बेचे गए जहाँ पे ओ टी टी राइट्स है वो फिल्म के अमेज़न प्राइम वीडियो वालों ने ख़रीदे हुए वहीं पे सेटेलाइट राइट्स स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए और आम से तो फिल्म आपको हिंदी तमिल तेलुगू ये तो तीन वर्जन है जहाँ पे हिंदी मेन वर्जन है तमिल तेलुगू डब्ड वर्जन ये सभी वर्ज़न में ओ टी टी प्लेटफॉर्म यानी कि अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी वहीं पे इस फिल्म को आप हिंदी वर्जन में स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर सकते हो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि राम सेतु फिल्म आपको अमेजोन प्राइम विडियो के ऊपर देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलुगु वर्जन में इसके अलावा सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर राम सेतु फिल्म आप हिंदी वर्जन में ऑफिशियली फ्री में इंजॉय कर सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म को आप हिंदी तमिल तेलुगु वर्जन में ऑफिशियली ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर पाओगे राम सेतु जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है द ब्रिज ऑफ रामा एक 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन एडवेंचर फिल्म है, फिल्म को हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु ये दो डब्ड वर्जन में रिलीज किया गया था और इन तीन लैंग्वेजेस में फिल्म को एक साथ थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म का जो जोनर है वो है एक्शन एडवेंचर इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है अभिषेक शर्मा ने फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी अभिषेक शर्मा ने ही किए हुए हैं फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा ने जिन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउसेज जैसे कि अमेजोन स्टूडियो के पबक कोट फिल्म लाइका प्रोडक्शन और अबुंतनया एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को करीबन डेढ़ करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे फिल्म की सिनेमेटोग्राफी असीम मिश्रा ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग रामेश्वरेश भगत ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे तेईस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में डेनियल बी जियोज का आपको बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलेगा जो सॉन्ग्स से वो भी उन्होंने ही कंपोज किया सॉरी गाने वो अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर के पास कंपोज करवाए लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म का वो डेनियल बी जियोज ने कंपोज किया हुआ है इसके अलावा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है स्टूडियो जिन्होंने इस फिल्म को सभी में वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था अब हम बात करें फिल्म के कास्टिंग के ऊपर अक्षय कुमार लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में डॉक्टर आर्यन कुलक्षेत्र का रोल प्ले किया हुआ है जो एक आर्कोलॉजिस्ट है जैकलिन फर्नांडिस ने डॉक्टर संद्रा ब्रबिल्लो का रोल प्ले किया हुआ है नुसरत बरेजा आपको प्रोफेसर गायत्री कुलक्षेत्रा श्रेष्ठा का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी जो अक्षय कुमार का किरदार है आर्यन उसकी वाइफ का रोल है ये जो नुसरत भरूचा ने प्ले किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे स्टार कास्ट के ऊपर जहाँ पे सत्यदेव कांचराना अंजानियन पुष्पक उमारन के रोल में दिखाई देंगे ए के एपी का रोल प्ले किया हुआ है अंगद राज को कबीर कुलरेष्ठा का रोल दिया हुआ है जो आय आर्यन और गायत्री का बेटा है जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में उनका रोल प्ले किया हुआ है शुभम जयकर देखने को मिलेंगे जेनी पर पीसी ने इस फिल्म में डॉक्टर गेब्रिल का रोल प्ले किया हुआ है नजर ने इस फिल्म में इंद्रकांत का रोल प्ले किया हुआ है प्रवेश राणा को प्रोजेक्ट मैनेजर बाली का रोल दिया गया था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की शुरुआत का जो करीबन इस फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा ने दो में ही कर दी थी जहाँ पे वो इस केस के रिगार्डिंग फिल्म बनाना चाहते थे बाद में उन्होंने इस फिल्म की कहानी अक्षय कुमार को सुनाई उनको ये पसंद आई वो इस फिल्म में एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूस करने के लिए भी तैयार हो गए थे उनके साथ अमेजॉन प्राइम वीडियो लाई का प्रोडक्शन अब उनतिया एंटरटेनमेंट बाद में जुड़े और एक अच्छे खासे प्रोडक्शन के साथ इस फिल्म को बनाया गया जहाँ पे अमेजन वालों का ये पहला बॉलीवुड का प्रोडक्शन का पहला एक मूवी था जहाँ पे ये फिल्म जो अक्षय कुमार की माँ है वो प्रोड्यूस कर रही थी जो इस फिल्म के रिलीज से पहले करीबन सितंबर 2021 में उनकी देहांत हो गई थी इसके अलावा चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ पृथ्वीराज नाम से फिल्म बनाई हुई थी सम्राट पृथ्वीराज नाम से तो वो फिल्म के वो डिरेक्टर थे और इस फिल्म में उन्होंने क्रिएटिव प्रोड्यूसर का रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है उसमें काफ़ी सारे जो इंसिडेंट है वो रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है और फिल्म में दूसरे को दूसरे अच्छे खासे फेक्ट्स भी दिखाए हुए कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो मार्च दो से पता चला था कि जैकलिन फर्नाडिस नुसरत फरूचा इस फिल्म में लीड रोल के लिए कास्ट की गई है जो अक्षय कुमार के ऑपोजिट आपको देखने को मिलेगी जून 2021 में एक और अनाउंसमेंट की गई थी जहां पे बताया गया था कि तेलुगु एक्टर सत्यदेव कांचराना इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करने वाले और हिंदी सिनेमा के लिए उनका डेब्यू होने वाला है इस फिल्म की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो चौदह नवंबर दो हज़ार बीस को दिवाली के मौके के ऊपर की गई थी दिसंबर दो हजार बीस तक फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था अयोध्या से लेकिन बाद में जो चीज़ें कुछ जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रही जिस वजह से फिल्म की शूटिंग के शेड्यूल को चेंज करना पड़ा लोकेशन चेंज करने पड़े फिल्म का मोरस शॉट पूजा सेरेमनी है वो अट्ठारह मार्च दो को राम जन्मभूमि टेंकू टेम्पल अयोध्या में की गई थी उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को अलग अलग जगह पर कंप्लीट करवाया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी तीस मार्च दो से मुंबई से स्टार्ट की गई थी कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म कई बार पॉज हुई थी कई बार रिज्यूम हुई थी जहाँ पर कुछ एक्टर्स को इस फिल्म में कोविड पॉजिटिव हुआ था जिसके चलते इस फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा था उसके बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था लॉकडाउन के बीच में पूरी तरह से इस फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म के साथ साथ अक्षय कुमार ने रक्षाबंधन कटपुटली ये दो फिल्में भी की हुई थी इसके अलावा उन्होंने बेल बॉटम करके एक फिल्म थी जो बाहर शूट करके कंप्लीट करवाई हुई थी उसके बीच में इस फिल्म की शूटिंग भी उन्होंने कंप्लीट की हुई थी अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म में टोटल चार गाने जहाँ पे अजय अतुल विक्रम मोहतर से वेद शर्मा और डॉक्टर जियोज ने सभी अलग अलग आर्टिस्ट ने एक एक गानों को कंपोज किया और एक तो है वो टेफन दूसरा है जय श्री राम तीसरा है बहुत दिन बीते चौथा है ओम नमस् शिवाय तो ये चार गाने जो कंपोज किए गए हैं जिसकी लेंथ उनतीस मिनट अड़तीस सेकंड है और ये सभी गाने आपको दो यूट्यूब पे सुनने को मिलेंगे इसी म्यूजिक कंपनी के यूट्यूब चैनल के ऊपर जिनके पास इस फिल्म के म्यूजिक ऑडियो राइट्स है तो वहाँ पे ऑडियो ऑडियो फॉर्मेट में इन गानों को आप इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें राम सेतु फिल्म की कहानी के ऊपर आर्यन का कुलर श्रेष्ठा जिसका रोल प्ले करे अक्षय कुमार जो एक रिनोम्ड आर्कोलॉजिस्ट है जहाँ पे उनको जॉइंट डायरेक्टर के तौर पे आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में प्रमोट किया जाता है जहाँ पे उन्होंने कुछ रिमार्केबल रिमार्केबल वर्क किया हुआ है जिस वजह से उनका ये एक इंक्रीमेंट हुआ है इंद्रकांत जो रोल प्ले करे नजर वो डिसाइड करते हैं कि वो सेतु समुद्र में जो एक प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करने वाले जहाँ पे राम सेतु को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा लेकिन उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती जिस वजह से वो डिस्ट्रॉय एकदम से नहीं हो सकता उसके ऊपर एक केस हो जाता है बाद में आर्यन किस तरह से इन सभी चीज़ों को हैंडल करता है और बाद में ये सभी चीज़ें जो तथ्य है उसको कैसे साबित करेगा वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी की हुई है जहाँ पर फिल्म के आर्टिस्ट ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ फिल्म की परफॉर्मेंसेज फिल्म के डायलॉग काफ़ी अच्छे थे कलर ग्रेडिंग कलर टोन वी एफ एक्स डिसेंट था एक्टर्स की परफॉर्मेंस जहाँ पे सत्यदेव ने भी एक शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ अक्षय कुमार एस यूजल अपना काम निभाते हुए नज़र आते सभी ने अपना काम बखूबी निभाया होता टेक्निकल मामले में फिल्म अच्छी नज़र आ रही थी म्यूजिक थोड़ा बेटर हो सकता था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और भी बेहतर वे में क्रिएट किया जा सकता था डायरेक्टर ने इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्साइटिंग मैनर में डिरेक्ट किया हुआ है जो आपको देखने में ज़रूर पसंद आएगा रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें पच्चीस अक्टूबर 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहां पे इस फिल्म को हिंदी वर्ज़न के साथ साथ तमिल और तेलुगु ये दो डब्ड वर्ज़न में भी रिलीज़ किया गया था इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तब एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था जहां पे इस फिल्म ने डेढ़ सौ करोड़ के बजट के सामने करीबन सौ करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था आईएमडीबी पे फिल्म को करीबन दस हजार वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से फिल्म के जो राइट्स है ओ सैटेलाइट राइट्स वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के बेचे गए जहाँ पे ओ राइट्स है वो फिल्म के अमेजन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए वहीं पर सेटेलाइट राइट्स स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए और आम से तो फिल्म आपको हिंदी तमिल तेलुगू ये तो तीन वर्जन है जहाँ पे हिंदी मेन वर्जन है तमिल तेलुगु डब्ड वर्जन ये सभी वर्जन में ओ टी टी प्लेटफॉर्म यानी कि अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ देखने को मिल जाएगी वहीं पे इस फिल्म को आप हिंदी वर्जन में स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर सकते हो

ये एक 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन एडवेंचर फिल्म है जहाँ पे फिल्म को हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु ये दो डब्ड वर्जन में रिलीज किया गया था और इन तीन लैंग्वेजेस में फिल्म को एक साथ थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म का जो, जो जोनर है वो है एक्शन एडवेंचर इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है अभिषेक शर्मा ने फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी अभिषेक शर्मा ने ही किए हुए है फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा ने जिन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउसेस जैसे कि अमेजोन स्टूडियो के पॉपकोर्ट फिल्म लाइका प्रोडक्शन और अबुनतनिया एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को करीबन डेढ़ करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे फिल्म की सिनेमेटोग्राफी असीम मिश्रा ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग रामेश्वरेश भगत ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे तेईस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में डेनियल बी जियोज का आपको बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलेगा जो सॉन्ग्स है वो भी उन्होंने ही कंपोज किए सॉरी गाने वो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के पास कंपोज करवाए लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म का वो डेनियल बी जी ने कंपोज किया हुआ है इसके अलावा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है जी स्टूडियो जिन्होंने इस फिल्म को सभी वजन में वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था अब हम बात करें फिल्म के कास्टिंग के ऊपर अक्षय कुमार लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में डॉक्टर आर्यन कुलक्षेत्र का रोल प्ले किया हुआ है जो एक आर्कोलॉजिस्ट है जैकलिन फर्नांडिस ने डॉक्टर संद्रा ब्रबिल्लो का रोल प्ले किया हुआ है नुसरत बरेजा आपको प्रोफेसर गायत्री कुलक्षेत्र श्रेष्ठा का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी जो अक्षय कुमार का किरदार है आर्यन उसकी वाइफ का रोल है ये जो नुसरत भरूचा ने प्ले किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे स्टार कास्ट के ऊपर जहाँ पे सत्यदेव कांचराना अंजानियन पुष्पक उमारन के रोल में दिखाई देंगे ए के ए पी का रोल प्ले किया हुआ है अंगद राज को कबीर कुलरेष्ठा का रोल दिया हुआ है जो आय आर्यन और गायत्री का बेटा है जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में उनका रोल प्ले किया हुआ है शुभम जयकर देखने को मिलेंगे जेनीपर पी सी ने इस फिल्म में डॉक्टर गेब्रिल का रोल प्ले किया हुआ है नजर ने इस फिल्म में इंद्रकांत का रोल प्ले किया हुआ है प्रवेश राणा को प्रोजेक्ट मैनेजर बाली का रोल दिया गया था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की शुरुआत का जो करीबन इस फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा ने दो में ही कर दी थी जहाँ पे वो इस केस के रिगार्डिंग फिल्म बनाना चाहते थे बाद में उन्होंने इस फिल्म की कहानी अक्षय कुमार को सुनाई उनको ये पसंद आई वो इस फिल्म में एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूस करने के लिए भी तैयार हो गए थे उनके साथ अमेज़न प्राइम वीडियो लाई का प्रोडक्शन अभु एंटरटेनमेंट बाद में जुड़े और एक अच्छे खासे प्रोडक्शन के साथ इस फिल्म को बनाया गया जहाँ पे अमेजॉन वालों का ये पहला बॉलीवुड का प्रोडक्शन का पहला एक मूवी था जहाँ पे ये फिल्म जो अक्षय कुमार की माँ है वो प्रोड्यूस कर रही थी जो इस फिल्म के रिलीज से पहले करीबन सितंबर 2021 में उनकी देहांत हो गई थी इसके अलावा चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ पृथ्वीराज नाम से फिल्म बनाई हुई थी सम्राट पृथ्वीराज नाम से तो वो फिल्म के वो डायरेक्टर थे और इस फिल्म में उन्होंने क्रिएटिव प्रोड्यूसर का रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है उसमें काफ़ी सारे जो इंसिडेंट है वो रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है और फिल्म में दूसरे कोई से दूसरे अच्छे खासे फेक्ट्स भी दिखाए हुए कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो मार्च दो से पता चला था कि जैकलिन फर्नाडिस नुसरत फरूचा इस फिल्म में लीड रोल के लिए कास्ट की गई है जो अक्षय कुमार के ऑपोजिट आपको देखने को मिलेगी जून 2021 में एक और अनाउंसमेंट की गई थी जहां पे बताया गया था कि तेलुगु एक्टर सत्यदेव कांचराना इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करने वाले और हिंदी सिनेमा के लिए उनका डेब्यू होने वाला है इस फिल्म की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो चौदह नवंबर दो को दिवाली के मौके के ऊपर की गई थी दिसंबर दो तक फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था अयोध्या से लेकिन बाद में जो चीज़ें कुछ जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रही जिस वजह से फिल्म की शूटिंग के शेड्यूल को चेंज करना पड़ा लोकेशन चेंज करने पड़े फिल्म का मोहर और पूजा सेरेमनी है वो अट्ठारह मार्च दो को राम जन्मभूमि टेंकू टेम्पल अयोध्या में की गई थी उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को अलग अलग जगह पर कंप्लीट करवाया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी तीस मार्च दो से मुंबई से स्टार्ट की गई थी कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म कई बार पॉज हुई थी कई बार रिज्यूम हुई थी जहाँ पर कुछ एक्टर्स को इस फिल्म में कोविड पॉजिटिव हुआ था जिसके चलते इस फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा था उसके बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था तो लॉकडाउन के बीच में पूरी तरह से इस फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म के साथ साथ अक्षय कुमार ने रक्षाबंधन कटपुटली ये दो फिल्में भी की हुई थी इसके अलावा उन्होंने बेल बॉटम करके एक फिल्म थी जो बाहर शूट करके कंप्लीट करवाई हुई थी उसके बीच में इस फिल्म की शूटिंग भी उन्होंने कंप्लीट की हुई थी अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म में टोटल चार गाने जहाँ पे अजय अतुल विक्रम मोन्तर से वेद शर्मा और डॉक्टर ज्योर्ज ने सभी अलग अलग आर्टिस्ट ने एक एक गानों को कंपोज किया और एक तो है वो टेफन दूसरा है जय श्री राम तीसरा है बहुत दिन बीते चौथा है ओम नमस् शिवाय तो ये चार गाने जो कंपोज किए गए हैं जिसकी लेंथ उनतीस मिनट अड़तीस सेकंड है और ये सभी गाने आपको दो यूट्यूब पे सुनने को मिलेंगे इसी म्यूजिक कंपनी के यूट्यूब चैनल के ऊपर जिनके पास इस फिल्म के म्यूजिक ऑडियो राइट्स है तो वहाँ पे ऑडियो ऑडियो

सेतु समुद्र में जो एक प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करने वाले जहाँ पे राम सेतु को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा लेकिन उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जिस वजह से वो डिस्ट्रॉय एकदम से नहीं हो सकता उसके ऊपर एक केस हो जाता है बाद में आर्यन किस तरह से इन सभी चीज़ों को हैंडल करता है और बाद में ये सभी चीज़ें जो तथ्य है उसको कैसे साबित करेगा वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी की हुई है जहाँ पर फिल्म के आर्टिस्ट ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ फिल्म की परफॉर्मेंसेज फिल्म के डायलॉग काफ़ी अच्छे थे कलर ग्रेडिंग कलर टोन वी एफ डिसेंट था एक्टर्स की परफॉर्मेंस जहाँ पे सत्यदेव ने भी एक शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ अक्षय कुमार एज यूजल अपना काम निभाते हुए नजर आते हैं सभी ने अपना काम बखूबी निभाया होता टेक्निकल मामले में फिल्म अच्छी नज़र आ रही थी म्यूजिक थोड़ा बेटर हो सकता था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और भी बेहतर वे में क्रिएट किया जा सकता था डायरेक्टर ने इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्साइटिंग मैनर में डिरेक्ट किया हुआ है जो आपको देखने में ज़रूर पसंद आएगा रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें पच्चीस अक्टूबर 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहां पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन के साथ साथ तमिल और तेलुगु ये दो डब्ड वर्जन में भी रिलीज़ किया गया था इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था जहां पे इस फिल्म ने डेढ़ सौ करोड़ के बजट के सामने करीबन सौ करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था आई पे फिल्म को करीबन दस हज़ार वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से फिल्म के जो राइट्स है ओ टी टी सेटेलाइट से राइट्स से वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के बेचे गए जहाँ पे ओ राइट्स है वो फिल्म के अमेज़न प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए वहीं पे सेटेलाइट राइट्स स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए तो आम से तो फिल्म आपको हिंदी तमिल तेलुगू ये तो तीन वर्जन है जहाँ पे हिंदी मेन वर्जन है तमिल तेलुगू डब्ड वर्ज़न ये सभी वर्जन में ओ टी टी प्लेटफॉर्म यानी कि अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी वहीं पे इस फिल्म को आप हिंदी वर्जन में स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर सकते हो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि राम सेतु फिल्म आपको अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सब टाइटल हिंदी तमिल तेलुगु वर्जन में इसके अलावा सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर राम सेतु फिल्म आप हिंदी वर्जन में ऑफिशियली फ्री में इंजॉय कर सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म को आप हिंदी तमिल तेलुगु वर्जन में ऑफिशियली ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर पाओगे राम जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है द ब्रिज ऑफ रामा ये एक 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन एडवेंचर फिल्म है जहाँ पे फिल्म को हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु ये दो डब्ड वर्जन में रिलीज किया गया था और इन तीन लैंग्वेजेज में फिल्म को एक साथ थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म का जो, जो जोनर है वो है एक्शन एडवेंचर इस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है अभिषेक शर्मा ने फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी अभिषेक शर्मा ने ही किए हुए फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा ने जिन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउसेस जैसे कि अमेजॉन स्टूडियो के पॉपकोर्ट फिल्म लाइका प्रोडक्शन और अबुंतनिया एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को करीबन डेढ़ करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे फिल्म की सिनेमेटोग्राफी असीम मिश्रा ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग रामेश्वरेश भगत ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे तेईस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में डैनियल बीजियोज का आपको बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलेगा जो सॉन्ग्स है वो भी उन्होंने ही कंपोज किए सॉरी गाने वो अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर के पास कंपोज करवाए लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म का वो डेनियल बी जी ने कंपोज किया हुआ है इसके अलावा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है जी स्टूडियो जिन्होंने इस फिल्म को सभी वजन में वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था अब हम बात करें फिल्म के कास्टिंग के ऊपर अक्षय कुमार लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में डॉक्टर आर्यन कुलक्षेत्र का रोल प्ले किया हुआ है जो एक आर्कोलॉजिस्ट है जैकलिन फर्नांडिस ने डॉक्टर संद्रा ब्रबिल्लो का रोल प्ले किया हुआ है नुसरत बरेचा आपको प्रोफेसर गायत्री कुलक्षेत्रा श्रेष्ठा का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी जो अक्षय कुमार का किरदार है आर्यन उसकी वाइफ का रोल है ये जो नुसरत भरूचा ने प्ले किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे स्टार कास्ट के ऊपर जहाँ पे सत्यदेव कांचराना अंजानियन पुष्पक उमारन के रोल में दिखाई देंगे ए के ए पी का रोल प्ले किया हुआ है अंगद राज को कबीर कुलरेष्ठा का रोल दिया हुआ है जो आय आर्यन और गायत्री का बेटा है जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में उनका रोल प्ले किया हुआ है शुभम जयकर देखने को मिलेंगे जेनीपर पी सी ने इस फिल्म में डॉक्टर गेब्रिल का रोल प्ले किया हुआ है नजर ने इस फिल्म में इंद्रकांत का रोल प्ले किया हुआ है प्रवेश राणा को प्रोजेक्ट मैनेजर बाली का रोल दिया गया था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की शुरुआत का जो करीबन इस फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा ने दो हज़ार सात में ही कर दी थी जहाँ पे वो इस केस के रिगार्डिंग फिल्म बनाना चाहते थे बाद में उन्होंने इस फिल्म की कहानी अक्षय कुमार को सुनाई उनको ये पसंद आई वो इस फिल्म में एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूस करने के लिए भी तैयार हो गए थे उनके साथ अमेजॉन प्राइम वीडियो लाई का प्रोडक्शन अब उन एंटरटेनमेंट बाद में जुड़े और एक अच्छे खासे प्रोडक्शन के साथ इस फिल्म को बनाया गया जहाँ पर अमेजन वालों का ये पहला प्रोडोली का प्रोडक्शन का पहला एक मूवी था जहाँ पे ये फिल्म जो अक्षय कुमार की माँ है वो प्रोड्यूस कर रही थी जो इस फिल्म के रिलीज से पहले करीबन सितंबर 2021 में उनकी देहांत हो गई थी इसके अलावा चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ पृथ्वीराज नाम से फिल्म बनाई हुई थी सम्राट पृथ्वीराज नाम से तो वो फिल्म के वो डायरेक्टर थे और इस फिल्म में उन्होंने क्रिएटिव प्रोड्यूसर का रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है उसमें काफी सारे जो इंसिडेंट है वो रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है और फिल्म में दूसरे को दूसरे अच्छे खासे फेक्ट्स भी दिखाए हुए कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो मार्च दो से पता चला था कि जैकलिन फर्नांडिस नुसरत फरोजा इस फिल्म में लीड रोल के लिए कास्ट की गई है जो कुमार के ऑपोजिट आपको देखने को मिलेगी जून 2021 में एक और अनाउंसमेंट की गई थी जहां पे बताया गया था कि तेलुगु एक्टर सत्यदेव कांचराना इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करने वाले और हिंदी सिनेमा के लिए उनका डेब्यू होने वाला है इस फिल्म की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो चौदह नवंबर दो को दिवाली के मौके के ऊपर की गई थी दिसंबर दो तक फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था अयोध्या से लेकिन बाद में जो चीज़ें कुछ जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रही जिस वजह से फिल्म की शूटिंग के शेड्यूल को चेंज करना पड़ा लोकेशन चेंज करने पड़े फिल्म का मोहर स्टॉट पूजा सेरेमनी है वो 18 मार्च दो को राम जन्मभूमि टेंकू टेम्पल अयोध्या में की गई थी उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को अलग अलग जगह पर कंप्लीट करवाया गया था प्रिंसिपल ऑफ़ फोटोग्राफी तीस मार्च दो हजार से मुंबई से स्टार्ट की गई थी कोविड 19 की वजह से फिल्म कई बार पॉज हुई थी कई बार रिज्यूम हुई थी जहां पे कुछ एक्टर्स को इस फिल्म में कोविड पॉजिटिव हुआ था जिसके चलते इस फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा था उसके बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था तो लॉकडाउन के बीच में पूरी तरह से इस फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था जहाँ पर इस फिल्म के साथ साथ अक्षय कुमार ने रक्षाबंधन कटपुट ये दो फिल्में भी की हुई थी इसके अलावा उन्होंने या, बेल बॉटम करके एक फिल्म थी जो बाहर शूट करके कंप्लीट करवाई हुई थी उसके बीच में इस फिल्म की शूटिंग भी उन्होंने कंप्लीट किए हुई थी अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म में टोटल चार गाने जहाँ पे अजय अतुल विक्रम मोन्तर से वेद शर्मा और डॉक्टर जियोज ने सभी अलग अलग आर्टिस्ट ने एक एक गानों को कम्पोज किया और एक तो है वो टेफन दूसरा है जय श्री राम तीसरा है बहुत दिन बीते चौथा है ओम नमस् शिवाय तो ये चार गाने जो कम्पोज़ किए गए हैं जिसकी लेंथ उनतीस मिनट अड़तीस सेकंड है और ये सभी गाने आपको दो यूट्यूब पे सुनने को मिलेंगे इसी म्यूज़िक कंपनी के यूट्यूब चैनल के ऊपर जिनके पास इस फिल्म के म्यूजिक ऑडियो राइट्स है तो वहाँ पे ऑडियो ऑडियो फॉर्मेट में इन गानों को आप एंजॉय कर सकते हो अब हम बात करें राम सेतु फिल्म की कहानी के ऊपर आर्यन कुलर श्रेष्ठा जिसका रोल प्ले कर रहे अक्षय कुमार जो एक रिनोड आर्कोलॉजिस्ट है जहाँ पे उनको जॉइंट डायरेक्टर के तौर पे आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में प्रमोट किया जाता है जहाँ पे उन्होंने कुछ रिमार्केबल रिमार्केबल वर्क किया हुआ है जिस वजह से उनका ये एक इंक्रीमेंट हुआ है इंद्रकांत जो रोल प्ले करे नजर वो डिसाइड करते हैं कि वो सेतु समुद्र में जो एक प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करने वाले जहाँ पे राम सेतु को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा लेकिन उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जिस वजह से वो डिस्ट्रॉय एकदम से नहीं हो सकता उसके ऊपर एक केस हो जाता है बाद में आर्यन किस तरह से इन सभी चीज़ों को हैंडल करता है और बाद में ये सभी चीज़ें जो तथ्य है उसको कैसे साबित करेगा वही सब चीज़ों फिल्म की कहानी की हुई है जहाँ पर फिल्म के आर्टिस्ट ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है फिल्म की परफॉर्मेंसेज फिल्म के डायलॉग काफ़ी अच्छे थे कलर ग्रेडिंग कलर टोन वी एफ एक्स डिसेंट था एक्टर्स की परफॉर्मेंस जहाँ पे सत्यदेव ने भी एक शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ अक्षय तो कुमार एज यूजल अपना काम निभाते हुए नज़र आते सभी ने अपना काम बखूबी निभाया होता टेक्निकल मामले में फिल्म अच्छी नज़र आ रही थी म्यूजिक थोड़ा बेटर हो सकता था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और भी बेहतर वे में क्रिएट किया जा सकता था डायरेक्टर ने इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्साइटिंग मैनर में डिरेक्ट किया हुआ है जो आपको देखने में ज़रूर पसंद आएगा रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें पच्चीस अक्टूबर 2022 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहां पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन के साथ साथ तमिल और तेलुगु ये दो डब्ड वर्जन में भी रिलीज किया गया था इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तब एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था जहां पे इस फिल्म ने डेढ़ सौ करोड़ के बजट के सामने करीबन सौ करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था आईएमडीबी पे फिल्म को करीबन दस हजार वोट मिले हुए जिसमें पांच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से फिल्म के जो राइट्स है ओ टी टी सेटेलाइट राइट, से, वो, से राइट से, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के बेचे गए जहाँ पे ओ टी टी राइड है वो फिल्म के अमेजन प्राइम वीडियो वालों

एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि राम सेतु फिल्म आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलुगू वर्जन में इसके अलावा सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर राम सेतु फिल्म आप हिंदी वर्जन में ऑफिशियली फ्री में इन्जॉय कर सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म को आप हिंदी तमिल तेलुगु वर्जन में ऑफिशियली ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे तो बस गायज इस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दी है फिल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसकी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग के ऊपर भी डिटेलिंग दी हुई है फिल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है जहाँ पे मैंने इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा करके दी हुई है उसका एक एनालिसिस किया हुआ है फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत की हुई म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी जानकारी दे दी है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा Thank you.